सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो को यार पूरा एंड तक देखना, क्योंकि हम इसमें पूरा शिप रॉकेट का सेटअप मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और अगर से आप इस वीडियो के एंड तक रुकते हो तो यहाँ पर मैं आपको ये टोटल 14 पॉइंट समझाने वाला हूँ। और इसमें से जो 14th नंबर का पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 14th नंबर के पॉइंट में मैं आपको एक टिप देने वाला हूँ। वो टिप अगर से आप आपके एड्स के अंदर अप्लाई करते हो तो ट्रस्ट मी, आपका अगर से आरटीओ अभी फॉर एग्जाम्पल 40% के आसपास चल रहा है तो आपका आरटीओ लिटरली 30% या 25%, मतलब आपका आरटीओ 10-15% डिक्रीज हो जाएगा अगर से आप मेरी 14th नंबर की इसमें जो मैं टिप देने वाला हूं उस पे ध्यान रखते हो तो। बाकी इस वीडियो में मैं आपको पूरा A to Z शिप रॉकेट का सेटअप सिखाने वाला हूं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। अगर से आपने जिंदगी में कभी शिप रॉकेट यूज नहीं किया है, फिर भी अगर से आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो ये वीडियो पूरा देखने के बाद में आपको शिप रॉकेट का पूरा सेटअप अच्छे से आ जाएगा और आप खुद ही उसे कर सकते। अभी मेन वीडियो का स्क्रीन रिकॉर्डिंग का पोर्शन चालू करने से पहले मैं आपको यहां पर अगर से कोई बिगिनर आया है तो उसको कुछ मैं टर्म्स जरूर बताना चाहूंगा शिप रॉकेट के, लेकिन उसके पहले मैं आपको अगर से आप बिगनर हो तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि शिप रॉकेट एग्जैक्टली है क्या। सो बेसिकली देखो, आपको जब आपके शॉपिफाई डैशबोर्ड के ऊपर बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं तो उन ऑर्डर्स को हमें कस्टमर को डिलीवरी भी देनी पड़ती है उस ऑर्डर्स की, राइट। तो आप खुद तो जाकर देने वाले हो नहीं, राइट। सो आपको जो है ऐसे टाइम पे आपको शिप रॉकेट जैसे प्लेटफॉर्म्स यूज करने पड़ते हैं। तो बेसिकली कैसा है, मार्केट के अंदर बहुत सारे कुरियर कंपनीज है, जैसे ब्लू डार्ट हो गया, एक्सप्रेस भी हो गया, फेडेक्स हो गया, और भी बहुत सारे कुरियर कंपनीज है, राइट। सो अभी आप हर एक के पास में जाके ऑर्डर्स नहीं दे सकते, क्योंकि वो आपके लिए बहुत हेक्टिक प्रोसेस होता है और हर एक का अपना अपना रिक्वायरमेंट होता है कि मुझे 200 ऑर्डर डेली चाहिए, 300 ऑर्डर डेली चाहिए, तभी मैं आपको डायरेक्टली मेरा कुरियर सर्विस यूज करने दूंगा। ऐसे हर एक कुरियर कंपनी का अपना अपना होता है, उतना अपन कर नहीं सकते, राइट। सो इसलिए क्या है कि ये जो पूरा कुरियर सर्विसेज है ये हमें एक ही जगह पर मिल जाता है और वो शिप रॉकेट के अंदर, इसीलिए हम शिप रॉकेट को बोलते हैं कुरियर एग्रीगेटर। तो बहुत सारे कुरियर हमें एक ही जगह पर मिल जाते हैं शिप रॉकेट नाम के प्लेटफॉर्म पे, इसलिए हम उसको बोलते हैं कुरियर एग्रीगेटर। तो बेसिकली आपको जो भी ऑर्डर्स आते हैं वो आप शिप रॉकेट नाम के प्लेटफॉर्म से शिप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस ऑल कुरियर्स, ठीक है। सो ये तो हो गया शिप रॉकेट, लेकिन यहां पर कुछ मैं आपको ऐसे अभी 7 टर्म्स पहले बताने वाला हूं, कुछ 7 ऐसे टर्म्स बताने वाला हूं जो हर एक बंदे को पता होना चाहिए आगे वाले वीडियो देखने से पहले, पूरा वीडियो देखने से पहले, ठीक है। तो ये जो 7 टर्म्स है अभी मैं यहां पर आपको एक एक करके ये एक एक टर्म को यहां पर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सबसे पहले आता है हमारा कंफर्मेशन कॉलिंग। तो देखो यार, आपको जितने भी लेट से फॉर एग्जांपल आपको आज की तारीख में शॉपिफाई के ऊपर 100 ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है, थीके? तो अभी 100 के 100 ऑर्डर्स हमें शिप रॉकेट से शिप नहीं करने हैं, क्योंकि ये सीओडी ऑर्डर्स होते हैं, मैक्सिमम कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स होते हैं और इनका डिलीवरी होना नेसेसरी नहीं है। हो सकता है कस्टमर ने ऐसे ही मजाक में ऑर्डर कर दिया हो या फेक ऑर्डर हो, तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना पड़ता है, कस्टमर को कंफर्मेशन कॉलिंग करनी पड़ती है। तो बेसिकली 100 ऑर्डर्स आपको आए, उसमें से 50-60 ऑर्डर्स आपने ऊपर से देख लिया, आपको एड्रेस क्वालिटी उसकी सही लगी। एड्रेस क्वालिटी मतलब क्या, कि बिल्डिंग नंबर प्रॉपरली डाल के रखा है, नंबर्स वगैरह प्रॉपरली डाल के रखा है, मोबाइल नंबर 10 डिजिट्स है और एड्रेस बहुत डिटेल में डाल के रखा है, नियर बाय कोई लैंडमार्क वगैरह सब कुछ प्रॉपर डाल के रखा है, वो डिटेल एड्रेस होते हैं। ऐसे आपकी इसमें 100 में से 50-60 ऑर्डर्स रहते हैं तो उनको तो आप डायरेक्टली शिप कर सकते हो, लेकिन जो बचे हुए 40 होते हैं उन्हें आप पे कॉल जरूर करना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग कंफर्मेशन कॉलिंग। तो बेसिकली बाकी ऑर्डर्स को हम लोग कॉल करते हैं और कॉल पर कंफर्म करते हैं कि सर आपने हमारे स्टोर से ये XYZ नाम का प्रोडक्ट खरीदा था तो इसकी ऑर्डर वैल्यू इतनी, लेट्स से 6,000 रुपीज है, तो क्या आप, मैं इस ऑर्डर को कंफर्म करूं और आपके लिए शिप कर दूं। या फिर कस्टमर बोलेगा हाँ शिप कर दो, तो आपको उसको कंफर्म करके शिप करना है शिप रॉकेट के पैनल से, बट वो अगर से नहीं बोलता है तो आपको ऑर्डर को वहां पर कैंसिल करना है। तो इसको बोलते, ये जो हम कॉलिंग करते हैं ना कस्टमर को, इसको बोलते हैं हम लोग गाइस कंफर्मेशन कॉलिंग। उसके बाद में गाइस सेकंड नंबर पर आता है इनवॉइस लेबल्स एंड मैनिफेस्ट। तो अभी इनवॉइस लेबल्स एंड मैनिफेस्ट है क्या, तो देखो बेसिकली कैसा होता है, जब आप आपकी कोई भी ऑर्डर शॉपिफाई से शिप रॉकेट पे आती है और फिर जब आप शिप रॉकेट से उस ऑर्डर को शिप करते हो तो हर एक ऑर्डर का ना दो चीजें निकलती है हमेशा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 100 ऑर्डर शिप कर दिए तो 100 के 100 ऑर्डर्स के आपके 100 लेबल्स और 100 इनवॉइसेस निकलेंगे। बात यह आती है कि इनवॉइसेस और लेबल है क्या। तो बेसिकली देखो, आप एक अमेजोन का पार्सल मान के चलो, जब आपको अमेजोन का पार्सल आता है, अमेजोन के पार्सल के अंदर एक रिसिप्ट होती है, उसको बोलते हैं इनवॉइस, जो कि होता है बिल, वो होता है कस्टमर के लिए, कस्टमर के पास में कि भाई मैंने ये प्रोडक्ट परचेस किया इतने रुपए का, वो उसका बिल हो गया, जिसको हम बोलते हैं इस केस में इनवॉइस, जो ऑर्डर के अंदर रहता है, ठीक है। फिर जब ऑर्डर पूरा पैक हो जाता है, ऑर्डर के ऊपर जो लेबल लगता है उसके ऊपर भी एक प्रिंट होता है, आपने देखा होगा अमेजोन से जो पार्सल आता है उसके अंदर एक होता है, वो इनवॉइस हो गया, और पार्सल के ऊपर भी एक स्लिप लगी होती है, वो स्लिप को बोलते हैं हम लोग लेबल। तो लेबल जो होता है वो डिलीवरी बॉय के इंस्ट्रक्शन के लिए होता है कि भाई ये एड्रेस है, ये नंबर है, यहाँ पर कस्टमर रहता है, ये सब चीजों के लिए, ठीक है, और पिकअप बॉय वगैरह सबके इंस्ट्रक्शन के लिए बेसिकली वो लेबल उसके ऊपर लगा होता है। तो ये हो गया हमारा इनवॉइस और लेबल। अभी इसमें थर्ड टर्म और आती है, वो है मैनिफेस्ट। अभी मैनिफेस्ट एग्जैक्टली है क्या, तो जैसे मान के चलो देखो, अभी मैं महाराष्ट्र से हूँ, राइट, मेरा सप्लायर दिल्ली में, अभी जब मैं मेरे 100 ऑर्डर शिप करता हूं तो
ऑफ कोर्स वहां पे पिकअप बॉय, मतलब मैं दिल्ली से लोकेशन से उसको पिकअप उसका शेड्यूल करता हूँ, ठीक है। तो अभी जब दिल्ली से मेरे ऑर्डर्स उचलने वाले हैं 100 के 100, मेरा पिकअप बॉय वहां पे जाके उस ऑर्डर्स को जब वहां से पिक करेगा, तो बेसिकली यहाँ पर अभी सीन ये आता है कि भाई मैंने तो उसको 100 ऑर्डर्स के 100 लेबल्स और 100 इनवॉइसेस दिए थे, लेकिन क्या सच में उसने 100 ऑर्डर्स पैक करके रखे, और क्या सच में 100 ऑर्डर्स मेरा पिकअप बॉय वहां से लेके गया क्या? ये बहुत बड़ा एक ट्रस्ट इशू यहाँ पर आ जाता है। तो कैसा होता है, इस 100 के 100 ऑर्डर्स का आपके पास में एक मैनिफेस्ट भी जनरेट होता है। बेसिकली मैनिफेस्ट के अंदर ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3 ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्स रहते हैं, ठीक है। उसके अंदर 100 ऑर्डर्स का पूरा कच्चा चिट्टा रहता है, और जब पिकअप बॉय आपका जो पिकअप बॉय होता है जो वहां से ऑर्डर पिक करने वाला है, वो पिकअप बॉय जब वहां से एक्जैक्टली जैसे आज मैंने उसको 100 ऑर्डर्स दिए, पिकअप बॉय को पता है कि ये लोकेशन से 100 ऑर्डर्स उठाने दिल्ली के लोकेशन से, तो जब वो वहां से एक्जैक्टली 100 पार्सल्स उठा लेगा, तभी वो वहां पर उस मैनिफेस्टेशन के ऊपर एक साइन करेगा, ठीक है, कि भाई 100 ऑर्डर्स मेरे को बोले गए थे उठाने को और 100 के 100 ऑर्डर्स मैंने यहां से उठा ले। तो ये ट्रस्ट बन जाता है, प्रूफ बन जाता है आपके बीच में, सप्लायर के बीच में और पिकअप बॉय के बीच, मतलब डिलीवरी कंपनीज के बीच में ये ट्रस्ट होता है, ठीक है ना। अभी ये जो इनवॉइस लेबल और मैनिफेस्ट होती है, ये हम हमारे सप्लायर को देते कैसे, तो बेसिकली आपको बस आपके पैनल में जनरेट हो जाते हैं। मैं आपको सब सिखाने वाला हूँ कैसे इनवॉइस लेबल मैनिफेस्ट जनरेट करना है, कैसे डाउनलोड करना है करके सब चीजें आपको सिखाई जाएंगी, और बस वो जब डाउनलोड हो जाती है आपके पास में पीडीएफ के फॉर्मेट में, वो बस आपको आपके सप्लायर को व्हाट्सएप करने है, ईमेल करने है, फिर वो ऑर्डर उधर पैक करके रखता है। उसके बाद में गाइस हमारा थर्ड नंबर का टर्म आता है पिकअप ऑफ ऑर्डर्स। तो अभी पिकअप एग्जैक्टली है क्या, तो देखो आपने ऑर्डर शिप कर दिया, आपके लेबल मैनिफेस्ट सब कुछ जनरेट हो गए, अब वो आपने आपके सप्लायर को भेज दिया, उसने पैक करके रख दिया, तो वहां पे आपका एक पिकअप, अब देखो आप तो वहां पे जाके कुछ ऑर्डर देने वाले होंगे राइट, तो आपका जो आपने शिपिंग करके रखी है वो शिपिंग प्लेटफॉर्म को पता होता है कि एक कुरियर बॉय असाइन किया गया, वो कुरियर बॉय जो होता है वो वहां पर जाकर उसको पिकअप बॉय बोलते हैं, कुरियर बॉय इज इक्वल टू पिकअप बॉय, तो वो पिकअप बॉय वो लोकेशन पे जाता है दिल्ली वाली लोकेशन पे, और मतलब जो भी आपका लोकेशन है, और वहां से वो 100 के 100 ऑर्डर्स उठाता है। तो वो जो उठाता है ना वो ऑर्डर्स को वहां से लोकेशन से, उसको हम लोग बोलते हैं पिकअप, ठीक है ना, कि ऑर्डर पिकअप हो गए, ऑर्डर्स पिकअप शेड्यूल हो गए, वो सब टर्म्स आपको आगे आने वाले हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ऑर्डर पिकअप का मतलब क्या होता है। उसके बाद में गाइस फोर्थ नंबर का टर्म हमारा आता है एनडीआर कॉलिंग। तो अभी एनडीआर कॉलिंग का मतलब है नॉन डिलीवरी रिपोर्ट कॉलिंग। तो देखो कैसा होता है, अभी आपके लेट से 100 कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स आ गए, 50 ऑर्डर्स आपके डिलीवर हो गए, लेकिन 50 कस्टमर्स का ऑर्डर डिलीवर किया, जब आउटफॉर डिलीवर होता है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, कोई कस्टमर बोलता है कि मुझे अभी पार्सल नहीं चाहिए, डिलीवरी बॉय कभी कभी फेक अटेम्प्ट करता है, वो जाता ही नहीं है लोकेशन पे बट बोल देता है मैं गया था कस्टमर अवेलेबल नहीं था तो ऑर्डर वापस ला लेता है, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल रीजन की वजह से आपके 50 ऑर्डर डिलीवर नहीं भी होंगे, तो ऐसा नहीं है कि डिलीवर नहीं हुए मतलब एकदम से आपके पास में 50 ऑर्डर जो डिलीवर नहीं हुए वो वापस आ जाएंगे। हर एक ऑर्डर जो कस्टमर के पास में आउट फॉर डिलीवरी होता है उसके 3 अटेम्प्ट हमेशा होते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट, इसको बोलते हैं हम एनडीआर अटेम्प्ट, एनडीआर अटेम्प्ट 1, एनडीआर अटेम्प्ट 2, एनडीआर अटेम्प्ट 3, ठीक है। सो अभी कैसा होता है कि जैसे अभी पहले बार में आपका 50 जो 100 ऑर्डर्स थे उसमें से 50 डिलीवर हो गए लेकिन 50 अनडिलीवर हो गए, तो 50 के 50 आपको आपके एनडीआर पैनल में दिखते हैं कि भाई ये 50 ऑर्डर्स है और इनके ये रीजन है कि कस्टमर ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, इसकी ये रीजन है, ठीक है। तो इसमें आपका काम क्या होता है कि आप कस्टमर को फोन करो, उससे कंफर्मेशन लो कि सर यहाँ पे लिखा है कि आपने रिफ्यूज कर दिया तो सच में आपने रिफ्यूज कर दिया क्या, या फिर सर यहाँ पे लिखा है कि आप अवेलेबल नहीं तो सच में आप अवेलेबल नहीं थे क्या, अगर से नहीं थे तो आप कब हो, कल रहोगे क्या या परसों रहोगे क्या, तो मैं आपको परसों के लिए पार्सल भिजवा देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे हर एक पार्सल के आपके 3 डिलीवरी अटेम्प्ट होते हैं गाइस आपके पास में वापस आने से पहले, ठीक है। तो ये जो हम कॉलिंग करते हैं ना कस्टमर को, इसका हम लोग रिकॉर्डिंग भी करते हैं, वो फिर पैनल के ऊपर अपलोड भी करते हैं, वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो ये पूरे कॉलिंग को हम बोलते हैं एनडीआर कॉलिंग। उसके बाद में गाइस फिफ्थ नंबर का टर्म आता है हमारा आरटीओ, जो सबसे ज्यादा सरदर्दी है हम सब लोगों के लिए। तो बेसिकली आरटीओ होता क्या है, मान के चलो आपने 100 ऑर्डर्स निकाले, 100 में से 50 डिलीवर हो गए, 50 एनडीआर में थे, फिर आपने कॉलिंग कर करके उसमें से 30 ऑर्डर्स और डिलीवर करवा दिए कैसे कैसे, ठीक है। अब ये बाकी के जो 20 ऑर्डर है ये तो डिलीवर हुए नहीं, ठीक है। तो जो ऑर्डर कस्टमर तक पहुंचते हैं बट डिलीवर नहीं होते, कस्टमर उसकी डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं करता, कैश ऑन डिलीवरी का पेमेंट नहीं करता, बिल्कुल भी ऑर्डर डिलीवर नहीं होता है, और वहां से 3 अटेम्प्ट होने के बाद में वो जब ऑर्डर हमारे पास में वापस आ जाता है हमारे लोकेशन के ऊपर या फिर आपके सप्लायर के लोकेशन के ऊपर, तो उन ऑर्डर्स को हम बोलते हैं गाइस आरटीओ ऑर्डर, मतलब रिटर्न टू ओरिजिन। अभी गाइस 6 नंबर का टर्म आता है रिटर्न। तो बेसिकली रिटर्न और इसके पहले जो हमने आरटीओ की बात की इसमें बहुत लोग मतलब गड़बड़ करते थे, क्योंकि रिटर्न टू ओरिजिन आरटीओ और रिटर्न है ना, तो ये दोनों को सही नहीं लगता है। सो बेसिकली जो 6 नंबर का हमारा टर्म है रिटर्न, इसका मीनिंग क्या है कि देखो ऑर्डर कस्टमर को डिलीवर हो गया, ठीक है ना, आरटीओ नहीं हुआ मतलब वापस नहीं आया, डिलीवर होने के पहले वापस नहीं आया, प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर हो गया बट प्रोडक्ट टूटा हुआ है अंदर से या फिर वर्क नहीं कर रहा या फिर कुछ भी रीजन हो सकता है, उस केस में जब आपको कस्टमर कॉन्टेक्ट करता है ईमेल से या व्हाट्सएप से या फिर कॉलिंग के ऊपर और बोलता है कि सर आपने ये प्रोडक्ट भेजा था बट ये वर्क नहीं कर रहा है या फिर ये टूटा हुआ है, इसमें डैमेज है ऐसा, तो वो केस में आपको वो ऑर्डर रिटर्न लेना पड़ता है, उसको पैसे उसको रिफंड करने पड़ते हैं या फिर
एक्सचेंज करना पड़ता है राइट। तो आफ्टर डिलीवरी मतलब डिलीवर्ड हो गया, डिलीवर होने के बाद में जो भी कस्टमर हमें बोलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न। मतलब आफ्टर डिलीवरी जब उसमें कोई प्रॉब्लम आता है प्रोडक्ट के अंदर तो उसका जब हम रिटर्न करते हैं उसको बोलते हैं रिटर्न। और आरटीओ वो होता है जो हमने इसके पहले डिस्कस किया कि वो डिलीवरी नहीं हुआ हमारे पास में वापस आ गया ठीक है। उसके बाद में कई सेवंथ नंबर का टर्म और लास्ट टर्म आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझना चाहिए वो है हमारा शिपिंग कैलकुलेशन। तो बेसिकली ये शिपिंग रेट हमें चार्ज कैसे किए जाते हैं, डायमेंशन के ऊपर किए जाते हैं, वेट के ऊपर किए जाते हैं, किसके ऊपर किए जाते हैं, वो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो कैसा है ना, मान के चलो आपका एक ये पार्सल है ठीक है। अभी ये पार्सल का एक वेट है, ये पार्सल का वेट मैं मान के चलता हूं 300 ग्राम्स का है। तो पहले एक चीज समझ लो कि हर एक कुरियर कंपनी के अपने अपने स्लैब्स होते हैं। स्लैब्स कैसे होते हैं, अगर से 0 ग्राम से लेकर 500 ग्राम्स के बीच में अगर से आपका पार्सल रहा तो हम लोग आपको लेट से 80 रुपीज चार्ज करेंगे शिपिंग प्लस कैश ऑन डिलीवरी के ठीक है ना। मतलब शिपिंग के फॉर एग्जांपल 40 रुपीज चार्ज कर ली और जब वो कैश ऑन डिलीवरी का पेमेंट प्रोसेस हो रहा है तो उसके और 40 रुपीज चार्ज कर ली, मतलब टोटल 80 रुपीज आपको चार्ज हो गए ठीक है ना। तो ये हो गया 0 टू 500 ग्राम के स्लैब का। अब और एक हमारा स्लैब आता है 500 ग्राम से लेकर तो 1 केजी तक का, फॉर 1 केजी लेकर तो 1.5 केजी तक का ठीक है। तो ऐसे ही हर एक स्लैब का अपना अपना होता है, जैसे 0 टू 1 अगर से आप 500 ग्राम का लोगे तो उसके अंदर आपको 80 रुपए गिरता है फॉर एग्जांपल। उसके अलावा अगर से फॉर एग्जांपल 500 ग्राम से लेकर 1 केजी तक का है तो उसके अंदर आपको अगर से 80 रुपीज फॉर एग्जांपल शिपिंग का गिर रहा है तो 40 रुपीज कैश ऑन डिलीवरी का गिरेगा, ऐसे आपको 120 रुपीज टोटल पे करना पड़ेगा उस ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए। तो वेट्स के ऊपर डिपेंड होता है ठीक है ना। लेकिन अभी बात यहाँ पर ये आती है गाइस कि हमारे पार्सल को कैसा मतलब क्या कैलकुलेशन उसके किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका यह पार्सल है, इसका अगर से वेट लेट्स से 400 ग्राम्स भर गया ठीक है ना, 400 ग्राम्स वेट भर गया, लेकिन जब इसका वॉल्यूमेट्रिक वेट निकाला जाता है, वॉल्यूमेट्रिक वेट का यहाँ पर ये ऐसा कुछ फॉर्मूला है गूगल के हिसाब से अगर से आप देखोगे तो जब इसका वॉल्यूमेट्रिक वेट भी निकाला जाता है, क्योंकि देखो कोई के पार्सल कैसे होते हैं ना, इतू सा होता है, इतू सा प्रोडक्ट होता है लेकिन उसका वेट बहुत ज्यादा होता है ना। कोई के पार्सल ऐसे होते हैं कि इतने बड़े बड़े होते हैं लेकिन उसका वेट बहुत कम होता है। तो इसलिए हर एक जो आफ्टर जो पैकेजिंग जो वेट बन के आता है ना, तो आपके प्रोडक्ट के जो आफ्टर पैकेजिंग होता है उसके दो वेट निकाले जाते हैं, एक निकाला जाता है उसका सिर्फ वेट और एक निकाला जाता है उसका वॉल्यूमेट्रिक वेट ठीक है ना। अभी वेट और वॉल्यूमेट्रिक वेट, जैसे फॉर एग्जांपल आपका 400 ग्राम का आपका वेट था और मैं मान के चलता हूं 550 ग्राम का आपका वॉल्यूमेट्रिक वेट था ठीक है ना। अभी दोनों में से ज्यादा कौन सा है वो कंसिडर किया जाएगा, दोनों में से ज्यादा है हमारा 550 ग्राम का वेट। अभी 550 ग्राम किसमें गिरता है, कौन से स्लैब में गिरता है, 500 ग्राम से लेकर तो 1 केजी वाले स्लैब में, और इसके हिसाब से अभी जो आपको रेट लेट से 120-130 रुपए जो भी है वो रेट आपको यहाँ पर लगने वाला था। इस हिसाब से गए इनके शिपिंग कैलकुलेशंस कैलकुलेट होते हैं। अभी एक चीज और समझ के रखो कि जो ऑर्डर आरटी होता है, जो ऑर्डर डिलीवर होता है उसमें कॉस्टिंग्स आपको कैसे लगती है। तो फॉर एग्जाम्पल आपका एक पार्सल है जो 0 से 500 ग्राम के स्लैब में गिरा था, तो वो पार्सल का आपको जो शिपिंग लग रहा है, मैं मान के चलता हूं उसका 50 रुपीज जाने का शिपिंग लगा। मतलब देखो आपके सप्लायर के हाउस से वेयर हाउस से वो प्रोडक्ट निकला कस्टमर के लिए ठीक है। अब जब निकला तो पहली चीज तो आपको डिलीवरी जो शिपिंग कंपनी है उन्होंने आपको 50 रुपए चार्ज कर लिया, क्योंकि आपने पार्सल निकाला वो उनका वो सब ट्रक्स वगैरह यूज करने वाले वहां तक पहुंचाने के लिए, तो वो 50 रुपए उन्होंने आपसे चार्ज कर लिया ठीक है। अभी जब कस्टमर ने पार्सल को एक्सेप्ट कर लिया और कैश ऑन डिलीवरी का पेमेंट कर दिया तो उसमें कैश ऑन डिलीवरी का भी चार्ज ऐड हो जाता है। तो 50 रुपए जाने के लगे और कैश ऑन डिलीवरी के 40 रुपए लगे, तो 50 + 40 आपके टोटल 90 रुपीज, मतलब 90 रुपीज आपको लग गया जब ऑर्डर डिलीवर हो रहा है तब ठीक है। लेकिन अभी आरटीओ में चार्जेस कैसे लगते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो 50 रुपए तो जाने के लग गए पहले सेम चीज ठीक है, लेकिन अभी कैश ऑन डिलीवरी हुआ नहीं तो 40 रुपए लगेंगे नहीं, 50 रुपए जाने के लग गए लेकिन कैश ऑन डिलीवरी हुआ नहीं, मतलब प्रोडक्ट डिलीवर हुआ नहीं, आरटीओ आ गया, तो उसके 40 रुपए तो मतलब 50 रुपए तो लगेंगे जाने के ठीक है, लेकिन 40 रुपए नहीं लगेंगे कैश ऑन डिलीवरी के। बट अभी 3 अटेम्प्ट हो गए और 3 अटेम्प्ट में भी ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ, अपने पास वापस आने वाला है, तो वहां से अपने पास में वापस आने के भी आपको और 50 रुपए लगते हैं ठीक है ना, मतलब वापस शिपिंग के लगते हैं। तो ऐसा जब आपका ऑर्डर मतलब डिलीवर होता है तो आपको शिपिंग प्लस सीओडी लगता है, बट जब आपका ऑर्डर डिलीवर नहीं होता है और आरटीओ होता है तो आपको शिपिंग प्लस रिटर्न वाला मतलब आरटीओ वाला शिपिंग के चार्जेस लगते हैं। तो ऐसे टाइप से गाइस इनके शिपिंग के कैलकुलेशंस होते हैं। ये 7 टर्म्स आपको जानना नेसेसरी है आगे वाले वीडियो के पोर्शन के लिए। सो बेसिकली आई होप आपको ये समझ चुका हूँ। अभी बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलूंगा मैं स्क्रीन के ऊपर और A to Z शिप रॉकेट को सेट करना मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक एक चीज आराम से देखेंगे, वीडियो को बिल्कुल
आराम से देखो और अपने शिप रॉकेट को अपने स्टोर के ऊपर सेट करो। सो गाइस, अभी शिप रॉकेट का पूरा सेटअप समझने से पहले मैं आपको इनके कुछ प्राइसिंग और प्लान्स के बारे में बताना चाहूंगा कि कैसे इनके शिप रॉकेट के प्लान्स है करके। सो बेसिकली इसके अंदर यहाँ पर आपको तीन प्लान्स दिख रहे हैं, लाइट, प्रोफेशनल और इंटरप्राइज। ठीक है, तो हर एक प्लान के अंदर आप मतलब आपको रेट्स कम मिलते हैं। जैसे लाइट प्लान, ये कंप्लीटली फ्री प्लान है जो आपको इनिशियली मिलेंगे और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा इनिशियली अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें आपको 26 रुपीज का पर 500 ग्राम्स में रेट गिरता है। ठीक है, उसके बाद में प्रोफेशनल के अंदर कम होता है, इंटरप्राइज के अंदर ये कस्टमाइज करके इसको और कम कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे इनके तीन प्लान है। अब ये तीन प्लान ये तो फ्री है, इसके कुछ अपने अपने चार्जेस हैं। तो आप ये प्लान्स के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप शिप रॉकेट के सपोर्ट के साथ में बात कर सकते हो। ठीक है, और आपको वो लोग बताएंगे कि कैसे प्लान्स, क्योंकि इनके ना ये प्राइसिंग वगैरह चेंज होते रहते हैं यूजुअली। बट एक चीज और आपको बता दूं, अगर से आपको इसके 2000 रुपए भी पर मंथ चार्ज कर रहे हैं, इसके 5000 रुपए भी कर रहे हैं, तो कैसा होता है ना कि अगर आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स बहुत ज्यादा है, जैसे आपके 500, 600 या 1000 ऑर्डर आप पर डे निकाल रहे हो इनसे, तो आपको ये प्रोफेशनल प्लान भी फ्री में मिल सकता है। और एंटरप्राइज प्लान अगर से आपको फ्री में चाहिए, 5000 रुपए पर मंथ इसके नहीं पे करने हैं, तो फिर इसमें आपको आपके अराउंड मतलब 3000 ऑर्डर्स पर डे निकलने चाहिए, तब आपको एंटरप्राइज प्लान भी फ्री में मिलता है और आपको रेट्स भी बहुत सस्ते मिलते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल रेट्स। ठीक है, तो ये इनके प्लान है शिप रॉकेट के, लेकिन लाइट वाला हमारा फ्री है, हम इसी को यूज करेंगे इनिशियली अगर से आपका बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो। अभी गाइज सेकंड नंबर पर हम डिस्कशन करेंगे अकाउंट क्रिएशन ऑन शिप रॉकेट के बारे में। ठीक है, सो बेसिकली अभी यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको शिप रॉकेट का अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं, उस लिंक पर जाकर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप से पेज खुलेगा जो है साइनअप पेज शिप रॉकेट का। ठीक है, सो साइनअप के लिए आप गूगल से भी कर सकते हो, फेसबुक से भी कर सकते हो, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा। आप प्रॉपरली यहां पर आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका कंपनी का जो भी नेम है वो आप यहां पर डालो, उसके बाद में आपका ईमेल आईडी आप यहां पर डालो, उसके बाद में पासवर्ड आपका एक सेट करो, और यहां पर आपको पूछता है कि आपके मंथली शिपमेंट कितने रहेंगे, तो आप इसको 1000 प्लस के आसपास सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आपके एपिटाइट के अकॉर्डिंग आप इसको यहां पे सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, और इस चेकबॉक्स पे ऑन करके हमें सिर्फ साइन अप फॉर फ्री में क्लिक करना पड़ता है। ठीक है, जैसे ही आप साइन अप फॉर फ्री के ऊपर क्लिक करते हो, उसके बाद में आपको शिप रॉकेट बोलता है कि भाई आप आपका जो है मोबाइल नंबर डालो। ठीक है, सो मोबाइल नंबर यहां पर आपको पुट करना है। ठीक है, मोबाइल नंबर पुट करने के बाद में उस पर एक कोड आता है और आपको वो मोबाइल नंबर वहां पर वेरीफाई करना पड़ता है ओटीपी की हेल्प से। ठीक है, जैसे ही आप वो वेरिफिकेशन कर लेते हो, उसके बाद में हमें और दो स्टेप कंप्लीट करने पड़ते हैं हमारा अकाउंट क्रिएट करने के पहले। तो पहला होता है कि आपने कंपनी के डिटेल्स हमें डालना है, तो कंपनी की डिटेल्स के लिए आप यहाँ पे आपकी कंपनी का एड्रेस डालोंगे, आपका यहाँ पे एड्रेस लाइन 2 डालोंगे। ठीक है, अगर से आपके पास में कंपनी नहीं है, आप सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर आप इंडिविजुअली काम कर रहे हो, तो आप खुद के एड्रेस यहां पर डाल सकते हो। ठीक है, पिन कोड, सिटी, स्टेट, कंट्री आपको फिल करना है और आपको बस नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको देखो वो बोलते हैं कि अभी आपको केवाईसी करना पड़ेगा। सो यस, अभी हमें यहां पर केवाईसी भी बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। सो अभी थर्ड नंबर पर हम लोग बात करने वाले हैं कि शिप रॉकेट में केवाईसी कैसे की जाती है। सो बेसिकली यहां पर आपको, आप इसको स्किप भी कर सकते हो अभी के लिए, आप बाद में भी कर सकते हो या फिर आपको अभी भी कर सकते हो। सो हम लोग अभी ही देख लेते हैं कि कैसा करना है करके, क्योंकि केवाईसी के सिवाय आपके ऑर्डर्स बिल्कुल भी शिप नहीं हो सकते। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पर बेसिकली प्रोसीड टू केवाई वेरीफाई केवाईसी के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग केवाईसी के ऊपर क्लिक करेंगे, हमें तीन ऑप्शंस दिए जाते हैं, इंडिविजुअल, सोल प्रोप्राइटरशिप और कंपनी। ठीक है, सो अभी तीन में से आपके पास में जो भी है आप वो करो, आपको इंडिविजुअली करना इंडिविजुअली करो, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं हमेशा ई कॉमर्स या ड्रॉपशिपिंग बिजनेस आपको सोल प्रोप्राइटरशिप या कंपनी में LLP कर लो, पार्टनरशिप फॉर्म कर लो या फिर प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म कर लो, आपको ये करना चाहिए हमेशा। सोल प्रोप्राइटरशिप या कंपनी ही आपको करना चाहिए, इंडिविजुअल नहीं करना चाहिए। ठीक है, बट अभी ये अकाउंट जब मैं बना रहा था मैंने एज ए इंडिविजुअली कर लिया था। आपको कुछ नहीं, बेसिकली कंपनी कुछ बेसिक डिटेल्स मांगेंगे आपका, कुछ एक स्क्रीन आपका खुद का एक सेल्फी आपका ले लेंगे। ठीक है, और आपके जैसे मैंने इंडिविजुअल था इसलिए मेरा आधार की हेल्प से हो गया, आप कंपनी वगैरह करूंगे तो आपका पैन कार्ड की हेल्प से हो जाएगा। मेरा इंस्टेंट हो चुका था केवाईसी, क्योंकि ये वाला एक्सप्रेस केवाईसी था, ये इंडिविजुअल था इसलिए जल्दी हो गया, बट शायद कंपनी वगैरह का आप करने जाओगे तो थोड़ा सा कुछ 2-3 घंटा आपको लग सकता है अराउंड केवाईसी होने के लिए। ठीक है, अगर से बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप शिप रॉकेट सपोर्ट से बात करके उनसे चीजें क्लियर आउट कर सकते हो, लेकिन केवाईसी आपको जल्दी से हो जाएगा, लेकिन केवाईसी करना ये हमेशा बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। ठीक है, अभी जैसे आपका केवाईसी हो जाता है ना, ठीक है, तो यहां पर आपको लिख के आ जाएगा कांग्रेचुलेशन, योर केवाईसी हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। ठीक है, उसके बाद में गाइस अगर से आपको अकाउंट डिटेल्स देखने हैं कि क्या क्या सेटअप हो चुका है, अकाउंट तो हमारा क्रिएट हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो यहां पर आप क्लिक करके उसके बाद में प्रोफाइल का ऑप्शन आता है, उसके अंदर जब आप जाऊंगा तो यहां पर आपको आपके अकाउंट के सारे डिटेल्स दिखते हैं, आपका नाम दिखता है, ईमेल दिखता है, फोन नंबर, आपका एक कंपनी आईडी भी होता है। तो बेसिकली जब भी आप शिप रॉकेट के सपोर्ट से कॉन्टेक्ट करते हो तो आपको हमेशा आपका कंपनी आईडी बताना है, तब आपको प्रॉपरली रिकॉग्नाइज कर सकेंगे ठीक है ये
अकाउंट के बारे में बात हो रही है करके, ठीक है ना। तो कंपनी आईडी हमेशा यहाँ पर आपको दिखता है, इसके अंदर जब आप प्रोफाइल के अंदर जाओगे तो यहाँ पर कंपनी आईडी आपको 7 डिजिट्स का मिलेगा, ठीक है। प्लान यहाँ से आप चेंज कर सकते हो जो भी आपको करना है, जैसे मैंने आपको प्लान के बारे में बताया। बाकी यहाँ पर ये देखो कैम का सपोर्ट, ईमेल वगैरह यहाँ पर देके रखा हुआ है, ठीक है। सो इस टाइप से गाइस आपका जो है केवाईसी वेरिफिकेशन हो जाता है और आपका अकाउंट आप शिप रॉकेट का क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद में गाइस बात करते हैं कि कैसे अभी फोर्थ नंबर पर हम लोग हमारा शॉपिफाई स्टोर जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं शिप रॉकेट के साथ में, क्योंकि ऑर्डर भी तो सिंक होना चाहिए ना, जो शॉपिफाई में आएंगे वो आपकी शिप रॉकेट में भी दिखना चाहिए, राइट। तो वो हम लोग कैसे करते हैं वो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। तो उसके पहले जैसे ही आपका केवाईसी हो जाता है आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको जैसे आप लेफ्ट साइड में होवर करोगे तो आपको सेटअप एंड मैनेज के अंदर चैनल्स का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको ऐड न्यू चैनल के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद में आपको शॉपिफाई के ऊपर ऐड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको आपके शॉपिफाई का स्टोर यूआरएल डालना है गाइस। तो बेसिकली अगर से आपका स्टोर का नाम है लेट से xyz.in या फिर xyz.com, तो आप वो यहाँ पर नहीं डालना है, जो शॉपिफाई का इनबिल्ट जो आपको डिफॉल्ट डोमेन मिलता है ना, जैसे b616 देखो मुझे मेरे स्टोर का ये था, तो वो जो डिफॉल्ट डोमेन मिलता है वो यहाँ पर आपको डालना है एग्जैक्टली https के साथ में ये कोलम के साथ में स्लैश और फिर अपना स्टोर का पूरा लिंक, ठीक है। ऐसे आपको डालना है पूरा। उसके बाद में सो बेसिकली यस आपको वो शॉपिफाई में मिल जाएगा आपका जो लिंक होता है वो, ठीक है ना, डिफॉल्ट वाला डोमेन्स के अंदर भी आपको दिख जाता है। उसके बाद में आपको कनेक्ट टू शॉपिफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कनेक्ट टू शॉपिफाई पे क्लिक करोगे आप शॉपिफाई के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यस एक चीज और मेक श्योर करना कि आप सेम ब्राउजर के अंदर अलग अलग टैब में, एक टैब में शिप रॉकेट खुला हो और एक टैब में शॉपिफाई आपका ऑलरेडी लॉग्ड इन हो, तो ये डायरेक्टली आपको ये शॉपिफाई स्टोर के अंदर लेके आएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ इंस्टॉल ऐप के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इंस्टॉल ऐप के ऊपर क्लिक करोगे आपका शॉपिफाई के अंदर जो है शिप रॉकेट इंस्टॉल हो जाएगा, फिर वापस से आप लोग शिप रॉकेट पे रिडायरेक्ट किए जाओगे। यहां पर आपको जो है गाइस देखो चैनल नेम तो शॉपिफाई रहेगा लेकिन आपको कम्युनिकेशन ब्रांड नेम, तो हो सकता है आपका स्टोर का नाम XYZ है, आप XYZ डालो। जैसे मैंने डमी स्टोर आपके लिए मुड़ी कार्ड बना के रखा है, मैंने यहाँ पे मुड़ी कार्ड डाल दिया। अपना लोगो यहाँ पे अपलोड कर दो, साइज नॉट लार्जर देन 1 MB, मतलब 1 MB से नीचे आपकी साइज होनी चाहिए उस इमेज की, ठीक है। आपका नया भी आपको आपका सेकंड थर्ड फोर्थ स्टोर है तो आप फिर से ऐड चैनल करके आप अलग नाम डालो, अलग लोगो अपलोड करो, आप वो मल्टीपल स्टोर्स भी एक ही सिप्रो के साथ में सेट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट इस पे आप जब नीचे स्क्रॉल करोगे, जैसे अब यहाँ पे तो हम लोग थे, अब जब हम नीचे यहाँ से नीचे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑन ऑफ के ऑप्शंस मिलते हैं। तो ये जो डिफॉल्ट में ऑन जो ऑन रहेंगे, जो डिफॉल्ट में ऑफ है, जो डिफॉल्ट में ऑफ है, जो डिफॉल्ट में ऑन है, जो डिफॉल्ट में ऑफ है, उन्हें ऐसे ही रहने दे, इसमें कुछ भी छेड़खानी ना करें। बस सबसे लास्ट में जाके सीधा अपडेट चैनल एंड टेस्ट कनेक्शन के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपको एक वैसा वेरीफाइड का ऐसा राइट टिक आ जाएगा, चैनल अपडेटेड सक्सेसफुली, प्लीज नेविगेट टू एक्टिविटीज लॉग टू चेक दी न्यूली फेस्ड ऑर्डर्स। सो बेसिकली जैसे आप ये कर लोगे तो आपका जो शॉपिफाई है वो शिप रॉकेट के साथ में कनेक्ट हो जाएगा और जो भी ऑर्डर्स आपको शॉपिफाई में आएंगे वो शिप रॉकेट के अंदर भी आपको अपियर होने, मतलब दिखने चालू हो जाएंगे। और यहाँ से आपको अगर से जैसे आपने समझ लो 4-5 स्टोर्स लगा लिए, बाद में आपका एक स्टोर बंद हो गया तो आपको उस स्टोर को सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है तो वो ऑटोमेटिकली वहां से ऑर्डर्स फेच करना बंद कर देगा, ठीक है। सो इस टाइप से गाइज अब आपका जो शॉपिफाई स्टोर है वो शिप रॉकेट के साथ में कनेक्ट कर सकते हो। ओके गाइस, सो यहाँ पर अभी पॉइंट नंबर 5 हमारा आता है प्रोडक्ट डाइमेंशंस, ठीक है। सो कैसा होता है ना कि जब आप आपके शॉपिफाई के अंदर प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हो, प्रोडक्ट के अंदर जैसे यहाँ पर मैंने 2 प्रोडक्ट लिस्ट करके रखे हैं, तो इसके अंदर आपको वेट डालने का या फिर आपका डायमेंशन डालने का ऑप्शन नहीं होता, और जो हमारा शिपिंग होता है वो पूरा डायमेंशन एंड वेट के ऊपर डिपेंड होता है, तो वो चीजें हमें शिप रॉकेट के अंदर डालनी पड़ती है। तो अभी उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर आकर ना हमें सेटअप एंड मैनेजमेंट मैनेज के अंदर यहाँ पर आपको कैटलॉग का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। अब जो भी प्रोडक्ट आप आपके शॉपिफाई के ऊपर लिस्ट करोगे वो आपको यहाँ पर भी दिखते हैं। जैसे यहाँ पर देखो एडजस्टेबल और क्रिएटिव, वैसे मेरे 2 प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर भी देखो एडजस्टेबल और क्रिएटिव मेरे 2 प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। सो अभी जब भी आपके प्रोडक्ट यहाँ पर आपको दिखते हैं आपको सिंपली हमेशा एक चीज करनी है कि यहाँ पर आपको ये जैसे प्रोडक्ट है तो इसके आगे आपको एडिट पे क्लिक करके ये डायमेंशंस डालने हैं। ये डायमेंशंस रहेंगे सेंटीमीटर में और वेट रहेगा केजी में, ठीक है। जैसे 200 ग्राम का अगर से प्रोडक्ट है तो 0.2 kg, ओके। वैसे ही सेम चीज आपको यहां पर भी सेकंड प्रोडक्ट में, थर्ड प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आप सेल करने वाले, जो प्रोडक्ट आप शिप करने वाले, उसके आपको डायमेंशन यहाँ पर डालने पड़ेंगे, ये मैंडेटरी है, ठीक है। सो प्रोडक्ट डायमेंशन डालोगे तभी उसके बाद में ही वो प्रोडक्ट्स आपके शिप हो सकेंगे प्रॉपरली, ठीक है। उसके बाद में गाइस पॉइंट नंबर 6 हमारा आता है वेट मेजरमेंट। तो वेट मेजरमेंट के अंदर 2 चीजें है शिप रॉकेट में, एक है वेट डिस्क्रिपेंसी और एक है वेट फ्रीज।
तो अभी यहाँ पर जैसे मैंने आपको शिपिंग तो समझा दिया कि शिपिंग के रेट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं करके, सो अभी यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा वेट डिस्क्रिपेंसी होता क्या है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर से आपका कोई प्रोडक्ट है जो 450 ग्राम्स का शिप रॉकेट के अकॉर्डिंग आ गया, ठीक है, और आपने उसको 450 ग्राम्स के अकॉर्डिंग जो भी आपको लेट से 70-80 रुपए शिपिंग प्लस सीओडी लगना था वो लग गया और आपकी ऑर्डर शिप हो गई, डिलीवर भी हो गई कस्टमर को। लेकिन डिलीवरी के बाद में क्या होता है कि कोई कोई कुरियर कंपनी जैसे ब्लू डार्ट हो गया या फिर एक्सप्रेस भी हो गया, जो जिस किसी भी कुरियर कंपनी से आपने शिप किया होगा, वो कुरियर कंपनी बोल रही है कि नहीं, ये पार्सल 450 ग्राम्स का नहीं था, ये पार्सल था 510 ग्राम्स का। तो उस हिसाब से ये पार्सल आ जाता है 500 ग्राम्स टू 1000 ग्राम्स वाले स्लैब में, और अभी आपको 120-130 रुपए टोटल इसके पे करने पड़ेंगे शिपिंग प्लस सीओडी के, राइट। सो ऐसे इसमें ऑर्डर्स में कि जब निकालने के वक्त आपको बोला गया था कि भाई अंडर 500 ग्राम्स है, लेकिन जब वो ऑर्डर डिलीवर हुआ तब आपको कंपनीज बोल रही है कि ये नहीं 500 ग्राम्स के ऊपर है। तो ऐसे ऑर्डर्स आ जाते हैं आपके वेट डिस्क्रिपेंसीज के अंदर। जैसे ही वेट डिस्क्रिपेंसीज के अंदर आपको ऑर्डर्स दिखते हैं, वहां पर आपको ना एक एक्शन लेने का भी बटन होता है। उस एक्शन के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको आपका जो भी प्रोडक्ट है उसका एक पैकेज्ड ऑर्डर आपके पास में रखना पड़ेगा। उसका लेंथ के साथ में आपको टेप का फोटो लगाना पड़ेगा, वेट का अपना ब्रीथ का भी लगाना पड़ेगा, उसके बाद में आपका जो हाइट होता है उसका भी। ऐसे तीन आपको फोटोज डाइमेंशंस के साथ में लगाने पड़ेंगे, मतलब खींचने पड़ेंगे, और एक वेट का भी आपको खींचना पड़ेगा, और ये आफ्टर पैकेजिंग, ठीक है ना। पैकेज्ड प्रोडक्ट का आपको एक पूरा ऐसा एक फोटो वगैरह खींच के, चार फोटोज खींच के आपको अपलोड करने पड़ेंगे, और फिर अगर से आप सही हो तो आपका जो वेट डिस्क्रिपेंसी आप जीत जाओगे और आपको कम चार्जेस ही लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे। तो ये वेट डिस्क्रिपेंसी का फंडा है, जब आपको आएगा तब आपको समझेगा। कुछ इसमें प्रॉब्लम रहता तो आप शिप रॉकेट के साथ सपोर्ट के साथ में भी बात करके कर सकते हो। अभी ये प्रॉब्लम हमें बार बार ना आए इसके लिए भी हमें एक सॉल्यूशन है हमारे पास में, जो कि होता है वेट फ्रीज। तो वेट फ्रीज के अंदर कैसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये प्रोडक्ट बेचने वाला हूं तो मैं इसका वेट फ्रीज रिक्वेस्ट कर सकता हूं। अब इसके अंदर क्या होगा, मुझे प्रोडक्ट की इमेजेस डालनी पड़ेंगी, ठीक है, प्रोडक्ट कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, लेंथ आफ्टर पैकेजिंग, ठीक है ना, पूरा प्रोडक्ट पैक होने के बाद में लेंथ विथ हाइट वेट मुझे यहां पर डालना पड़ेगा, और उन सबकी इमेजेस भी मुझे यहां पर डालनी पड़ेंगी टेप के साथ में प्रॉपरली, एक ही किसी भी ऑर्डर की मुझे डालनी पड़ेंगी, ठीक है, वो मैं यहां पर डाल दूंगा, लेबल वगैरह के साथ में डालना पड़ेगा, उसको रिक्वेस्ट वेट फ्रीज करूंगा। तो उसके बाद में कुछ 24 घंटे के अंदर ये मेरा वेट फ्रीज भी हो जाएगा। बेसिकली अगर से आप किसी प्रोडक्ट को वेट फ्रीज करवा लेते हो तो बहुत कम चांसेस है आपको वेट डिस्क्रिपेंसी आने के, ठीक है ना, क्योंकि ये करवाने से आप प्रूफ कर देते हो कि भाई देखो मेरा ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, इसका जो भी सिंगल ऑर्डर निकलता है इसका ये पैकेज ऑर्डर है और इसका डायमेंशंस वेट वगैरह यही है। अब डिलीवरी कंपनी आपको क्लेम नहीं कर सकती कि नहीं ये तो 450 ग्राम का था बट 510 अभी बोल रहे हैं, ऐसा वो आपको टाइम पे नहीं कर सकते। तो आप अगर से वेट फ्रीज, आप जो भी प्रोडक्ट, मैं बेसिकली आपको सजेस्ट करूंगा जो भी प्रोडक्ट आप सेल करने वाले हो उसका वेट फ्रीज जरूर करवा लो, ठीक है, और उसकी वजह से आपको कभी भी वेट डिस्क्रिपेंसीज नहीं आएंगी। तो ये पूरा मतलब फंडा है गाइस इसके अंदर, वेट मैनेजमेंट का, वेट डिस्क्रिपेंसी और वेट फ्रीज का। ओके गाइस, तो अभी 7th नंबर पर हम देखने वाले शिप रॉकेट का सेटिंग्स पैनल। तो यहाँ पर बेसिकली हमें पूरी ये सेटिंग सेट करने हैं और कुछ फीचर्स भी देखने हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ से सेटिंग्स पे क्लिक करके इस पैनल के ऊपर आना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखता है कंपनी प्रोफाइल। कंपनी प्रोफाइल के अंदर ऑलरेडी आपकी ये डिटेल्स फिल्ड अप रहेंगी, इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ फिल्डअप करने की जरूरत है नहीं, ठीक है, ये सिर्फ आपके लिए और शिप रॉकेट के लिए होता है, इसमें से कोई भी चीज कस्टमर को शो होती नहीं है, ठीक है। उसके बाद में सेटिंग्स में वापस जाएंगे हम लोग और केवाईसी। अगर आपने केवाईसी नहीं की है, पहले जब आपको पूछ लेता है तब आपने केवाईसी नहीं की, आपको बाद में करनी है, तो बाद में सेटिंग्स में से यहाँ से आके केवाईसी कर सकते हो। उसके बाद में अगर आपको शिप रॉकेट अकाउंट का कभी पासवर्ड चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद में कहीं आता है पिकअप एड्रेस, विच इज मच 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 मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो पिकअप एड्रेस के अंदर बेसिकली कैसा होता है कि देखो जैसे आपका जो ऑर्डर है वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा सप्लायर दिल्ली में है, तो मुझे ऑर्डर्स जो पिकअप करवाने हैं वो दिल्ली से करवाने हैं क्योंकि मेरा सप्लायर दिल्ली में है, वहाँ पे उसका ड्रॉप शिपिंग का स्टोर का लोकेशन है, मतलब सप्लायर वाला लोकेशन है, राइट। सो वो पिकअप एड्रेसेस आप यहाँ से डाल सकते हो। आपको बेसिकली यहाँ पे एड पिकअप एड्रेस पे क्लिक करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आपको आपका सप्लायर का निक नेम डालना है, उसका नाम डालना है, सप्लायर का नंबर डालना है, उसको वेरीफाई से ओटीपी से वेरीफाई भी कर लेना है, ठीक है। ईमेल आप किसका भी डाल सकते हो, आपका भी डाल सकते हो। उसके बाद में एड्रेस में आपको सप्लायर का एग्जैक्ट एड्रेस डालना है जिससे प्रॉपरली पिकअप बॉय उठाने जाए ऑर्डर वहां पर, उसका वेयर हाउस का ओपन टाइम क्लोज टाइम आपको यहां पर डालना है, ठीक है। अभी ये हो गया, अब इसको आपको सिर्फ सेव कर देना है, ठीक है। बट
अगर से अभी देखो कैसा है कि जब आप ये सेव करके सिर्फ सेव कर दोगे तो इससे क्या होगा कि जैसे अगर से फॉर एग्जांपल आपके 10 ऑर्डर्स निकले, 10 में से 5 डिलीवर हो गए और लेट से 5 आरटीओ आते हैं, तो वो जो आरटीओ ऑर्डर्स आएंगे वो सेम एड्रेस के ऊपर आएंगे, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, वो जो 5 आरटीओ आएंगे वो मुझे मेरे लोकेशन पर चाहिए या किसी और लोकेशन पे चाहिए, तो आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ से आपको एक नया एड्रेस यहाँ पर फिलअप करना है, ठीक है ना, जहाँ पे आपको आरटीओ चाहिए। बट एक चीज ध्यान में रखना, ये डिफरेंट जगह पर आरटीओ वाला सर्विस सिर्फ यहाँ पर जो कुरियर नेम दिख रहे हैं आपको, एक्सप्रेस भी, डिलीवरी ब्लू डॉट, ईकार्ट एंड ईकॉम एक्सप्रेस, इसके लिए ही अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद में आप इससे सेव एड्रेस कर सकते हो, और यहाँ पर जो है हमारा जो मतलब ये है पिकअप लोकेशन वगैरह सब कुछ वो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और आपको जो है मतलब जैसे आप फॉर एग्जाम्पल जैसे आप यहाँ पे 4, 5, 10, 15 जितने आपको पिकअप एड्रेस डालने हैं, जितने मल्टीपल अलग अलग लोकेशन के सप्लायर्स डालने हैं आप डाल सकते हो। लेकिन ऐसा कोई सप्लायर है जिसका आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करते हो तो उसको आप प्राइमरी सिलेक्ट कर सकते हो और उसका फिर जो ऑर्डर है वो उसी से ऑटोमेटिकली पुश हुआ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पिकअप एड्रेस का सेटिंग। उसके बाद में गए यहाँ पर बैंक डिटेल्स। तो बैंक डिटेल्स के अंदर जो है आप बेसिकली यहाँ पर आपके ऑफकोर्स बैंक डिटेल डाल सकते हो जिसमें आपको शिप रॉकेट से पैसा चाहिए, लेकिन देखो जिससे आपने केवाईसी करके रखी है वही डालना पड़ेगा। जैसे मेरा ये वाला जो अकाउंट है, मैंने पर्सनल अकाउंट से केवाईसी की थी, इंडिविजुअल से की थी, क्षितिज थोरात के, तो मुझे क्षितिज थोरात के यहाँ पे सेविंग अकाउंट डालना पड़ेगा। लेकिन अगर से आप कंपनी से करते हो तो आपको कंपनी का डालना पड़ेगा। आपने सोल प्रोपरेटरशिप करके रखा है, आपको सोल प्रोपरेटरशिप का बैंक अकाउंट करंट वाला ही यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। उसके बाद में गाइस अर्ली सीओडी का एक आपको ऑप्शन मिलता है। अर्ली सीओडी में कैसा होता है, देखो जिस दिन ऑर्डर डिलीवर होगा तो डी प्लस अगर से 2 डेज मतलब डिलीवर होने के 2 दिन के बाद आपको एकदम से पेमेंट चाहिए अकाउंट में सीओडी का, तो अकाउंट में तो आ जाएगा लेकिन उसका 0.99% चार्ज कटेगा ऑर्डर वैल्यू का टोटल, ठीक है। 3 डेज में अगर से चाहिए तो इतना कटेगा, 4 डेज में अगर चाहिए तो इतना कटेगा। आप आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसको जैसा आपको सिलेक्ट रखना है आप रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में गाइस यहाँ पर एक ऑप्शन आता है हमें पोस्ट पेड का। तो जैसे कैसा है, देखो आपका जो शिप्रोकेट का अकाउंट पहले बनता है वो प्रीपेड ही होता है, ठीक है ना। तो प्रीपेड के अकॉर्डिंग आपको रिचार्ज करना पड़ता है वॉलेट को हमेशा, ठीक है ना, मिनिमम 500 और जैसे भी आपको रिचार्ज करना है, और उसके बाद में ही आपके ऑर्डर आप शिप कर सकते हो, जैसे जैसे उससे पैसे कटते रहेंगे आपके वॉलेट से, ठीक है। लेकिन आप इस अकाउंट को पोस्टपेड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो बेसिकली पोस्टपेड आप यहां से ऑन कर सकते हो, ठीक है। अब पोस्टपेड का मीनिंग क्या है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डे से ये पोस्टपेड हो जाएगा, आप पहले दिन से 100 ऑर्डर्स निकाल दोगे पोस्टपेड में, ऐसा नहीं होता। इनिशियली आपको इसमें कुछ 7-8 दिन तक पैसे धीरे धीरे लोड करने पड़ेंगे। जब आपका एक रेमिटेंस साइकिल बन जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी 15 दिन बाद क्या होगा कि आपको आज शिप्रोकेट से मैं मान के चलता हूँ 10,000 रुपये रेमिटेंस आना था, ठीक है, लेकिन आज ही आपने 5,000 रुपये के वर्थ की शिपमेंट आज शिप कर दी है, ठीक है ना। तो फिर 10,000 माइनस 5,000 आपके अकाउंट में 5,000 रहेंगे। तो इस हिसाब से ये जो अकाउंट है ये पोस्टपेड बनता है, ठीक है ना। अगर आपको नहीं समझाऊंगा तो आप एक बार कैम से बात करके क्लियरली इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद में गाइस यहाँ पर जीएसटी इनवॉइसिंग का ऑप्शन आता है। तो बेसिकली अगर आपका जीएसटी नंबर वगैरह है तो आप यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल के रखो, या इनवॉइस प्रीफिक्स में आप इसको ऐसे ही रहने दो और ये ऐसे ही रहने दो, डिडक्ट में यहाँ पे नो कर देना और सेव डिटेल्स कर देना, ठीक है। और अगर से आपका कंपनी एक ही लोकेशन पे नहीं है, 4-5 मतलब दिल्ली में एक कंपनी है, गुजरात में एक है, महाराष्ट्र में एक है, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल लोकेशन में, तो आप इसको ऑन करके मल्टीपल जीएसटी स्टेट नंबर भी आपके डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद में गाइस बिलिंग एड्रेस। बिलिंग एड्रेस के अंदर आप जो है आपका टोटल डिटेल्स यहाँ पे डाल दो कंपनी का, ठीक है। उसके बाद में सेटिंग्स यहाँ पे जाएंगे। कुरियर प्रायोरिटी, तो कुरियर प्रायोरिटी के अंदर गाइस कैसा है कि यहाँ पे देखो जैसे आपको जितने भी शिप्रोकेट के ऊपर कुरियर कंपनीज अवेलेबल है उसमें से अगर आपको फास्टेस्ट से फास्टेस्ट कुरियर कंपनी यूज करनी है तो आप इसको ऑन रख सकते हो, सस्ते से सस्ते में आपको निकालना है तो आप इसको कर सकते हो, रिकमेंडेड बाय शिप्रोकेट में वो खुद का एआई के हेल्प से हिस्ट्री के बेसिस पे वो ऑर्डर चूज करते हैं कि किस कुरियर कंपनी को जाना चाहिए करके। कस्टम में आप खुद से डिसाइड कर सकते हो किसको किसको जाना चाहिए, और बेस्ट रेटेड के अंदर वो जो टॉप रेटेड कंपनीज होती है कुरियर कंपनीज उनको ही पार्सल्स जाते हैं, ठीक है। कौन सा करना है वो मैं आपको बताऊंगा, उसके पहले हम लोग एक बार कुरियर सिलेक्शन देख लेते हैं। कुरियर सिलेक्शन के अंदर कुछ आपके एक्टिवेटेड रहेंगे, कुछ आपके डीएक्टिवेटेड रहेंगे, ठीक है, तो आप उनको यहां से एक्टिव भी कर सकते हो। और अगर से जैसे आपको ब्लू डार्ट करना है बट आपको ब्लू डार्ट इधर किधर भी नहीं दिखता है तो आप एक बार शिप्रोकेट सपोर्ट से बात कर लेना, वो लोग आपको ब्लू डार्ट एक्टिवेट कर देंगे। लेकिन देखो ब्लू डार्ट एक्टिवेट करने के लिए आपको इनको आपका खुद का पर्सनल पैन नंबर या फिर कंपनी का पैन नंबर देना ही देना पड़ता है। जीएसटी मैंडेटरी नहीं है एज ऑफ नाउ, बट यस पैन नंबर तो आपको देना ही देना पड़ता है, ठीक है। अभी कुरियर प्रायोरिटी, मेरे जो स्टोर के ऊपर मैं सेटिंग रखता हूँ वो ऐसी होती है कि मैं इसको कस्टम रखता हूँ, ठीक है। और कस्टम के अंदर मैं यहाँ पर आपको मेरा फोटो दिखा रहा हूँ मेरे स्टोर का। तो इसमें हम लोगों ने क्या करके रखा है कि ब्लू डार्ट सरफेस 500 ग्राम वाले को हमने फर्स्ट पे रखा है, सेकंड पे हमने लगाया स्मार्टर लॉजिस्ट इसको 500 ग्राम वाले अंडर को, थर्ड पे रखा है डीडीडीसी 500 ग्राम जो कि शायद से एयर वाला है, उसके बाद में डीडीडीसी सरफेस हमने रखा है, और बाद में लास्ट में हमने रखा है डिलीवरी। तो ऐसे हमने ये 5 सेटअप करके रखे हैं। तो इसमें कैसा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको आज 100 ऑर्डर आ गए, तो 100 में से
पूरे के पूरे ऑर्डर्स ब्लू डार्ट नहीं निकालेंगे क्योंकि बहुत से पिन कोड ऐसे होते हैं जो ब्लू डार्ट के पास में अवेलेबल नहीं होते हैं। तो फॉर एग्जांपल 100 में से 70 ऑर्डर्स आपने ब्लू डार्ट से निकाल दिए, तो पहले वो जो 70 ऑर्डर्स है वो ब्लू डार्ट को अलॉट हो जाएंगे। उसके बाद में वो 30 ऑर्डर जो बचे हैं जो नहीं हुए शिप नहीं हुए वो स्मार्टर को चले जाएंगे। अब 30 में से स्मार्टर बोलते हैं कि भाई मेरे पास भी 30 में से ना सिर्फ 20 ही पिन कोड से 10 नहीं है, तो वो 20 ऑर्डर जो है वो स्मार्टर से निकल जाएंगे, अभी बचे 10। तो 10 जो है फिर वो अगर से ये बोलता है कि मैं निकाल दूंगा तो इससे निकल जाएंगे, नहीं निकलते तो इससे, नहीं निकलते तो इससे, ऐसे पांचों इससे आपके जो कुरियर प्रेफरेंस आपने डाल के रखे उस अकॉर्डिंग उनको ऑर्डर जो है अलॉट होते रहते हैं। ठीक है गाइस, ओके। सो मेरा प्रेफरेंस भी मैंने आपको बता दिया क्या है करके, कुरियर सिलेक्शन भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, उसके बाद में सेटिंग्स के अंदर हम लोग आए हैं, ये हमारा हो चुका है, इस पर आपको कुछ ध्यान देने का जरूरत नहीं है। लेबल प्रेफरेंसेस, ठीक है, तो लेबल प्रेफरेंस के अंदर आप इसको ओल्ड फॉर्मेट करके रखो, बाकी सब चीजें ऑन ऑफ रखो, बस ये दो चीजों को आप ऑन रखो। ठीक है, और इसको सेव सेटिंग्स कर दो, सॉरी। उसके बाद में आप लोग सेटिंग्स में आओ, इनवॉइस प्रेफरेंस में आपको जाना है। इनवॉइस प्रेफरेंस में जैसे का जैसा है, इसको क्लासिक A4 साइज 1 रिटेल, इसको ऐसे का ऐसे ही रखो, यहाँ पर आप कुछ भी मत करो, इसको चेक ही रखना, इसको सेव डिटेल्स कर दो। ठीक है, उसके बाद में प्रूफ ऑफ डिलीवरी, तो प्रूफ ऑफ डिलीवरी आपकी मर्जी है, आपको ऑन रखना है ऑफ रखना है आपकी मर्जी है। तो बेसिकली ये कैसा होता है ना कि जैसे जब ऑर्डर डिलीवर होता है कस्टमर को, तो कस्टमर से डिलीवरी बॉय एक फॉर्म के ऊपर साइन लेता है, फॉर्म मतलब वो मल्टीपल उसमें कस्टमर्स के नाम्स वगैरह होते हैं, उसके ऊपर साइन लेता है कि हाँ मैंने ये पार्सल एक्सेप्ट किया है करके, उसका एक प्रूफ होता है। ठीक है ना, उसके बाद में बायर कम्युनिकेशन, आपको इसका कुछ जरूरत है नहीं। सेलर कम्युनिकेशन में जो है आपको आपका ईमेल वगैरह यहाँ पे डालने को बोलते हैं, तो आप डाल के रख लो, आपको बेसिकली शिप रॉकेट से अपडेट्स आते रहेंगे। उसके बाद में गाइस ये जो पूरे फीचर्स है, इसमें से ज्यादा फीचर्स मैं कुछ भी यूज नहीं करता हूँ। एक अगर से आपको करना है तो आप आरटीओ स्कोर वाला फीचर यूज कर सकते हो, आरटीओ स्कोर वाले फीचर के अकॉर्डिंग आप इसको इनेबल कर लेना। इसके अकॉर्डिंग आपको ना कुछ 2.7 या कुछ 2.8 रुपीस का पर ऑर्डर पे चार्ज लगता है, लेकिन इससे फायदा क्या होता है ना कि आपको ऑर्डर्स के अंदर, मैं यहां पर दिखा रहा हूं, आपको ऑर्डर्स के अंदर जो है यहां पर जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखो आरटीओ रिस्क दिखाता है कि पर्टिकुलर ऑर्डर का रिस्क क्या है, लो है मतलब डिलीवरी होने के चांसेस, आरटीओ होने के चांसेस क्या है, मतलब इसका आरटीओ रिस्क लो है, मतलब इसको शिप कर सकते हो विदाउट कंफर्मेशन भी। जिस पे आपको हाई दिखता है उस पे आपको कॉल्स करके नहीं कंफर्मेशन करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये सेटिंग है वो इसका, किसका, अपना आरटीओ स्कोर का। ठीक है, आपकी मर्जी है इसको ऑन रखना है नहीं रखना है। मेरी खुद की टीम है एनडीआर कॉलिंग की, कंफर्मेशन कॉलिंग की, इसलिए मैंने इस चीज को ऑफ रखा है। वो मैन्युअली ऑर्डर्स के एड्रेसेस देखकर उनको भी पता लग जाता है कि कैसा है करके सब कुछ सिस्टम, ऑर्डर डिलीवर होगा या नहीं होगा करके। ठीक है, उसके बाद में गाइस डिलीवरी बूस्ट एक ऑप्शन आता है, यस इसको आपको ऑन रखना चाहिए। इसमें कैसा होता है कि जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल टीम नहीं है एनडीआर की, तो आप इसको इनेबल करके रखो। इसमें क्या होगा कि जो भी एनडीआर कॉलिंग रहेगी ना, वो ये जो है शिप रॉकेट ये खुद करेगा कस्टमर को। ठीक है, मतलब पहले तो वो मैसेज भेजेगा, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजेगा, एसएमएस भेजेगा, ईमेल भेजेगा, ये सब कुछ करके देखेगा। फिर भी अगर से कस्टमर रिस्पॉन्स नहीं करता है तो मैन्युअली ये लोग कॉल भी करेंगे। और लेट्स से इन्होंने 10 एनडीआर कॉल आपके किए, 10 में से 7 अनडिलीवर हो गए, 7 के साथ आरटीओ हो गए, तो वो 7 का आपको 0 रुपीज चार्ज लगेगा। लेकिन जो 3 ये लोग एनडीआर कॉलिंग्स करके डिलीवर करवाएंगे उस पर ऑर्डर पर ये आपको 5% ऑर्डर वैल्यू का अमाउंट चार्ज करेंगे। ठीक है, सो आपकी टीम अगर से है तो आपकी मर्जी, आपको इसको रखना है नहीं रखना है, बट अगर से नहीं भी है तो आप इसको ऑन रख सकते हो। ठीक है ना, आपकी मर्जी है। यह हो गया सेटिंग्स, तो बाकी तो इसमें और कुछ मुझे ऐसा इतना हेल्पफुल लगा नहीं। इंटरनेशनल सेटिंग्स के अंदर अपने कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैनेज यूजर्स रोल, तो बेसिकली आपका कोई टीम मेंबर है जिसको आप पूरा इसका लॉगिन एसेस नहीं देना चाहते हो, आप बस स्पेसिफिकली कुछ ऑर्डर्स या किसी चीज का ही उसको एसेस देना चाहते हो, तो आप यहां से दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद में रिटर्न सेटिंग्स हमें यहाँ से करने की जरूरत नहीं है, वो हम मैन्युअली हमेशा करते हैं। ठीक है, उसके बाद में पेज ट्रैकिंग पेज, तो हमें ट्रैकिंग पेज जो है गाइस हमारे स्टोर पे सेटअप करना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे पेज सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। को पेज सेटअप के अंदर जो है याद से आप यहाँ पे आपका स्टोर का नेम डालो, ठीक है, ऐसा पूरा पास में जैसे मैंने डाल के रखा है मूडी कार्ड, उसके बाद में shiprocket.co, ऐसी आपकी एक लिंक बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप आपके स्टोर का लिंक डाल दो, यहाँ पे भी आप आपका एक फेविकॉन अपलोड कर दो जैसे मैंने करके रखा है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपके स्टोर का प्राइवेसी लिंक यहाँ पर डाल दो, सपोर्ट नंबर डाल दो और सपोर्ट ईमेल डाल दो, इसको आप सेव रखो। ये मैंने कहाँ से किया, ये मैंने किया यहाँ से पेज सेटअप पे क्लिक करके, यहाँ से तो आपके स्टोर में जाओ, ऑनलाइन स्टोर में से नेविगेशन में चले जाओ, उसमें से आप अभी मेन मेन्यू में अगर से आपको डालना है ट्रैकिंग का बटन, तो मैं क्या करूंगा कस्टमर सपोर्ट के अंदर या किसी के अंदर भी एड मेन्यू करूंगा और यहाँ पे डालूंगा ट्रैकिंग, या फिर आप डालूंगा ट्रैक योर ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा ना गाइस कि वो जो मेरा लिंक था, क्या करना है ना कि आपका जो है पेज सेटअप के अंदर moodycart.shiprocket.co, ये जो है ये मैं यहाँ पर डालूंगा moodycart.shiprocket.co।
ठीक है, जैसे मैंने ये डाला उसके बाद में एंटर मत मारो, यहाँ पे जो नीचे आता है ये डालने के बाद में इस पे क्लिक कर दो, ठीक है, और फिर इसको ऐड कर दो। अब जैसे मैंने इसको ऐड करके इसको सेव कर लिया, तो अभी देखते हैं हमारा ट्रैकिंग पेज कैसा दिखता है करके। मैं गया ऑनलाइन स्टोर पे, ठीक है, अब ऑनलाइन स्टोर के अंदर मेरा कस्टमर सपोर्ट के अंदर यहाँ पे ट्रैक योर ऑर्डर का ऑप्शन दिख रहा है। इसके अंदर देखो गाइस मेरा ट्रैक और योर ऑर्डर का पेज आ चुका है। कस्टमर यहाँ पे मेरे साइट पे जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर आईडी है, AWK नंबर के हेल्प से वो जो है उसका मतलब ऑर्डर जो है वो ट्रैक कर सकता है। उसको सपोर्ट के लिए भी मेरी चीजें यहाँ पर सब कुछ चीजें मिल रही है। तो इस टाइप से गाइज आप जो है ट्रैकिंग पेज भी जो है वो अपने स्टोर के ऊपर इजीली डाल सकते हो। इसके बाद में गाइज 8 नंबर पर हम देखते हैं शिप रॉकेट का शिपिंग रेट कैलकुलेटर। तो आप बेसिकली ऑर्डर शिप करने से पहले ही चेक कर सकते हो कि आपको इसका शिपिंग कितना गिरने वाला है करके। वो कहाँ से होता है, टूल्स के अंदर जाके रेट कैलकुलेटर पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। बाकी रेट कार्ड भी इनका अवेलेबल है, यहाँ से आप रेट कार्ड भी देख सकते हो। रेट कैलकुलेटर के अंदर क्या है, आपको डोमेस्टिक सिलेक्ट रखना है, फॉरवर्ड पे क्लिक करना है, जहां से ऑर्डर पिकअप होने वाला है वो पिन कोड डाल दो। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दिल्ली का पिन कोड डाल दिया और यहाँ पे मैंने एक नागपुर का पिन कोड डाल दिया जहाँ पे डिलीवरी होने वाली है प्रोडक्ट की। उसके बाद में एक्चुअल वेट मैंने प्रोडक्ट का डाला 0.5 kg, डायमेंशन 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। अभी वो देखो क्या बोल रहा है, देखो मैंने क्या था आपको कि वॉल्यूमेट्रिक वेट या वेट इसमें से जो मैक्सिमम होता है उस पर अपने को चार्जेस लगते हैं, उसको स्लैब में कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे देखो एक्चुअल वेट हमारा 0.5 है, ठीक है, 0.4 है मतलब प्रोडक्ट का वेट, और वॉल्यूमेट्रिक वेट आया सिर्फ 0.2 kg। अब दोनों में से ज्यादा कौन सा है, 0.4, इसलिए उसने क्या किया यहाँ पे 0.4 kg को कंसीडर किया। और 0.4 kg किस में आता है गाइस हमारा, ये आता है हमारा 0 to 500 ग्राम्स के अंदर। तो उसमें जो रेट्स लगेंगे वो हमें लगेंगे, यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी हम लोग सिलेक्ट रखेंगे, इसको नो करेंगे और इसको करेंगे कैलकुलेट। ओके, शिपमेंट वैल्यू भी डालना होता है, तो जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 599 फॉर एग्जाम्पल, मैं प्रोडक्ट का मेरा शिपमेंट वैल्यू है, ऑर्डर वैल्यू है, मैं इसको कैलकुलेट करूंगा। तो यहाँ पे देखो गाइस हमें ये पूरे के पूरे रेट आ जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर टोटल जो हमारे रेट्स है हर एक डिलीवरी कंपनी के, कुरियर कंपनी की, ये सब कुछ हमें आ जाती है। और जितने भी ये रेट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये रेट इंक्लूडिंग GST है, इसके ऊपर एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं लगने वाला है, ठीक है ना, ये फाइनल रेट है। तो इस तरह से गाइज आप शिप रॉकेट का रेट कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो। ओके गाइज, सो अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है और वो है हमारा 9th नंबर के ऊपर शिपिंग ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप आपके बल्क में ऑर्डर शिप कर सकते हो जो भी आपको शिप रॉकेट के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया वैसे आपको पहले तो कनेक्ट करना है स्टोर और शिप रॉकेट को एक मेक के साथ में। उसके बाद में गाइज आप आपके पैनल के ऊपर जब यहाँ पे क्लिक करोगे ऑर्डर्स के ऊपर, तो आपको ऐसा कुछ एक पैनल खुलेगा जहां पर न्यू, रेडी टू शिप, पिकअप एंड मैनिफेस्ट, इन ट्रांजिट, डिलीवर्ड, RTO, ऑल ऐसे बहुत सारे सेक्शन रहेंगे। तो आपको न्यू के अंदर आपके सारे पेंडिंग वाले ऑर्डर्स मिलेंगे जो आपने शिप नहीं करके रखे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हो सकता है कि आपके 3-4 स्टोर हो शॉपिफाई के, तो आपको यहाँ पे एक मोर फिल्टर का ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक करके आप आपका जो भी पर्टिकुलर शॉपिफाई का स्टोर के आपको ऑर्डर शिप करने हैं उसको सिलेक्ट कर लो और यहाँ से अप्लाई फिल्टर कर देना, ठीक है। जैसे ही आप वो अप्लाई फिल्टर करोगे तो आपका वो जो पर्टिकुलर स्टोर है जिसके आपको ऑर्डर शिप करने हैं उसके आपको ऑर्डर यहाँ पर एक के बाद एक दिखना चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे अब ये वाले इस पे मेरे को जैसे 19 ऑर्डर्स है, 19 में से मुझे फॉर एग्जांपल ये 2 शिप करने हैं। तो बल्क में शिप करने के लिए जैसे मुझे 2 शिप करने हैं, तो मैं क्या करूंगा कि जो जो ऑर्डर्स मुझे शिप करने हैं मैं उनको सिलेक्ट करूंगा, अगर से मुझे सारे करने हैं तो मैं सीधा यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अब इस एग्जाम्पल में मैं आपको 2 ही ऑर्डर शिप करके दिखाने वाला हूँ। तो बेसिकली मुझे जो 2 ऑर्डर शिप करने हैं मैंने उन ऑर्डर के ऊपर यहाँ पे चेक कर लिया, ठीक है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे सिलेक्ट बल्क एक्शन पे क्लिक करके मुझे क्या करना होता है, मुझे सिर्फ शिप ऑर्डर पे क्लिक करना पड़ता है। जैसे ही मैं शिप ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ मेरे ऑर्डर्स हो जाते हैं शिप और वो न्यू टैब से निकल कर आ जाते हैं रेडी टू शिप टैब में। अब मैं रेडी टू शिप टैब में क्लिक करूंगा, इस टैब के अंदर मुझे मेरे वो एग्जैक्टली 2 ऑर्डर्स दिख जाते हैं, ठीक है। अभी ये करने के बाद में मुझे इन ऑर्डर्स के निकालने पड़ते हैं लेबल्स। तो लेबल्स निकालने के लिए मैं फिर से उन दोनों ऑर्डर को क्लिक करूंगा, ठीक है, और यहाँ पे सिलेक्ट बल्क एक्शन पे क्लिक करके मैं डाउनलोड लेबल के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। जैसे मैं डाउनलोड लेबल के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास में अगर से मेरे कम ऑर्डर्स है तो मुझे सीधा यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, मेरे पास में नहीं है और मेरे बहुत ज्यादा ऑर्डर्स है बल्क में, बहुत 100 200 300, तो मेरे मेल्स पर आते हैं कभी कभी ये लेबल्स, ठीक है। तो लेबल मतलब क्या, जो ऑर्डर के ऊपर लगता है, ठीक है। तो ऐसे टाइप से आपका लेबल आएगा जिसके अंदर कैश ऑन डिलीवरी की प्राइस, आइटम क्वांटिटी, प्राइस वगैरह, कस्टमर का डिटेल्स वगैरह, शिफ्ट बाय किसने किया वगैरह, वो सब चीजें यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ जाती है। ये 2 लेबल्स हो गए हमारे, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे आपने डाउनलोड लेबल किया वापस से आपको दोनों चेक बॉक्सेस पे क्लिक करना है और आपको स्केड्यूल पिकअप पे क्लिक करना है, ठीक है। अभी देखो स्केड्यूल पिकअप पे क्लिक करने के पहले देखो स्टेटस में क्या दिखा रहा है, रेडी टू शिप, मतलब ये शिप हो चुका है, शिप है रेडी के लिए, लेकिन अभी तक शिप नहीं हुआ है, ठीक है ना, रेडी है बट शिप नहीं किया अभी, आपने अभी तक कंफर्म कर लिया बट शिप नहीं किया। अभी क्या किया मैंने, ये दोनों को चेक किया, वापस से सिलेक्ट बल्क एक्शन पे क्लिक करके स्केड्यूल पिकअप के ऊपर
क्लिक किया। अब जैसे ही मैं स्केड्यूल पिकअप के ऊपर क्लिक करता हूँ ना गाइस, तो आपके पास में देखो यहाँ पर अभी रिफ्रेश करने के बाद में क्या होगा, स्टेटस के अंदर अभी पिकअप स्केड्यूल्ड इसका स्टेटस आ जाएगा। रेडी टू शिप के अंदर क्या स्टेटस आ जाएगा, दोनों ऑर्डर्स का पिकअप स्केड्यूल, मतलब अभी ये रेडी हो चुका है पिकअप होने के लिए। तो ये आज या कल में आपका ऑर्डर यहाँ से सप्लायर के पास से पिकअप हो जाते हैं। आपके पास में जो इनवॉइसेस वगैरह है वो आप कस्टमर इसको भेज सकते हो सप्लायर को। अभी देखो इसके बाद में आपको क्या करना पड़ता है ना, फिर से आपको दोनों ऑर्डर के ऊपर क्लिक करके या फिर जितने भी ऑर्डर है सारे के सारे भी क्लिक करके सिलेक्ट बल्क एक्शंस में से डाउनलोड मैनिफेस्ट करना पड़ता है। अब मैनिफेस्ट मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया था, तो ऐसा आपका हर एक कुरियर कंपनी और लोकेशन वाइज आपका अलग अलग मैनिफेस्ट निकलता है। एक ही मैनिफेस्ट के ऊपर सारे ऑर्डर आपके आ जाते हैं अगर सिंगल कुरियर कंपनी के है तो, ठीक है। इसके ऊपर वो फिर वो डिलीवरी बॉय अपना साइन देता है प्रूफ के लिए कि हाँ मैंने इतने ऑर्डर्स मेरे को आज उठाने थे और मैंने इतने यहाँ से उठा लिए करके। तो ये प्रूफ के लिए होता है आपके डिलीवरी बॉय के और सप्लायर के बीच में प्रूफ के लिए, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे ही ऑर्डर का आपने कर लिया मैनिफेस्ट डाउनलोड, तो आपको डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद में पहले आपसे और ये है कि सब पॉपअप बॉक्स खुलेगा। अब इस पॉपअप बॉक्स के अंदर आपको ये करना है ओल्ड फॉर्मेट सिलेक्ट करना है, फिर डाउनलोड करना है। आप जैसे ही डाउनलोड करोगे आपके पास में ऐसा मैनिफेस्ट जो है डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में गाइस आप पिकअप एंड मैनिफेस्ट के टैब में जाओगे तो यहाँ पर देखो ब्लू डॉट सरफेस के अंदर मुझे देखो मेरे जो दो शिपमेंट्स मैंने किए हैं शिप वो दिख रहा है और उसका पिकअप स्केड्यूल दिख रहा है जो कि है 10 नवंबर के लिए, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ से जो है मेरा ऑर्डर फिर पिकअप हो जाएगा। बाकी ये मेरे और भी मैनिफेस्ट है, सो ये अभी यहाँ पर जो मैंने करके दिखाया है वो ये वाले है, ठीक है। तो इस टाइप से गाइज आप जो है आपके ऑर्डर्स की शिपिंग बहुत ही ज्यादा इजिली कर सकते हो, ठीक है। अभी बात आती है कि भाई शिपिंग तो हो गई लेकिन एनडीआर एंड आरटीओ पैनल को हम कैसे यूज करें और कैसे करें। तो 10th नंबर पर हम देखेंगे एनडीआर एंड आरटीओ पैनल के बारे में। तो वो पैनल जो होता है गाइस आपको वो दिखता है इसके अंदर डिलीवरी बूस्ट के अंदर, या फिर आपके इसमें एनडीआर पैनल या फिर आरटीओ पैनल नाम से कुछ होगा, बस आपको इसके अंदर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसके अंदर क्लिक करते हो आपके सामने कुछ इस टाइप से चीजें खुलती है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको वो सारे ऑर्डर्स दिखेंगे जो डिलीवर नहीं हुए कस्टमर, मतलब आउट फॉर डिलीवरी है अभी भी कस्टमर के एरिया में ही है लेकिन अभी तक उसको डिलीवर नहीं हुए, तो वो ऑर्डर्स यहाँ पर आपको दिखते हैं। मैंने एनडीआर आरटीओ सब आपको स्टार्टिंग में समझा दिया है वीडियो के, ठीक है। सो अभी जैसे ये फॉर एग्जाम्पल मेरा, जैसे अभी हम एग्जाम्पल के लिए पहले ये ऑर्डर दिखते हैं। तो ये जो ऑर्डर है इसमें क्या बोल रहा है कि कस्टमर ने इसको डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं की है और डिलीवरी बॉय ने यहाँ पर रीजन डाला है कि कस्टमर रिफ्यूज, मतलब कस्टमर ने मना कर दिया विदाउट ओटीपी दिए। यहाँ पे तो ओटीपी दिया था लेकिन यहाँ पे ओटीपी ना दिए हुए उसने मना कर दिया। कैसा होता है ना, कैंसिल करने के लिए भी ओटीपी जाता है कस्टमर को, तो इसने नहीं दिया लेकिन डिलीवरी में डाल दिया कि कस्टमर रिफ्यूज। अभी हो सकता है डिलीवरी बॉय झूठ भी बोल रहा है तो हमें इसका रीअटेम्प्ट करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले कस्टमर को फोन करते हैं, कस्टमर के साथ में कंफर्म कर लेते हैं कि सर आपको डिलीवरी बॉय का कॉल आया था क्या। बोलेगा हाँ आया था बट उसने तो डिलीवरी करवाई नहीं, तो हम बोलेंगे कि ठीक है सर आप दिक्कत मत टेंशन मत लो, हम आपको ऑर्डर कल में डिलीवर करवा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, रीअटेम्प्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। रीअटेम्प्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने ऐसा एक पैनल खुलेगा, इस पैनल के अंदर हम रीअटेम्प्ट डेट अगली या फिर उसके जब भी कस्टमर बोलता है 1-2 दिन में हम वो डेट यहाँ पे डाल देंगे। फोन नंबर तो वही है, अल्टरनेट अगर उसने कोई और नंबर दे के रखा है जो उसको और डालना था तो वो आप उससे मांग सकते हो, वो भी कर लेना। एडिशनली कुछ और एड्रेस वो बता दे कि सर इसके पास उसके पास, तो वो भी आप डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपका जो कॉल रिकॉर्ड आप कस्टमर साथ में करते हो कॉल रिकॉर्डिंग जरूर यहाँ पे अपलोड करना, और रिमार्क्स में आपको डाल देना है, रिमार्क्स डालना है मतलब बेसिकली, जैसे कि अगर से फॉर एग्जाम्पल डिलीवरी बॉय ने झूठ बोला था यहाँ पे डाल दो कि डिलीवरी बॉय, इंग्लिश में डालना आपको कि डिलीवरी बॉय ने झूठ बोला था और कस्टमर को पार्सल चाहिए तो आप ऑर्डर को कल डिलीवर करवा दीजिए। तो ऐसा जो भी आपका रिमार्क्स है रिकॉर्डिंग के रिलेटेड यहाँ पे आप बोल सकते हो कि आप प्लीज लिसन टू द रिकॉर्डिंग इन दैट कस्टमर इज सेइंग द डिलीवरी बॉय डिडंट कॉल, ऐसे टाइप से आप चीजें डाल सकते हो रिमार्क्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद में आपको रिक्वेस्ट रीअटेम्प्ट करना है, तो उसके बाद में क्या है कि ऑर्डर जो है अगले दिन के लिए या फिर जो भी आपने रीअटेम्प्ट डेट डाल के रखी है उस दिन के लिए कस्टमर को डिलीवरी के लिए निकल जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया। अभी कैसा होता है ना गाइस कि यहाँ पर आपको देखो एक और ऑप्शन आता है, वो होता है हाइड यहाँ पे हिस्ट्री का। तो या जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करूंगा ना तो इसके अंदर आपको सारे अटेम्प्ट दिखते हैं, जैसे NDR 1 अटेम्प्ट दिखेगा, NDR 2 दिखेगा और ऑल अटेम्प्ट दिखेगा। तो इसके अंदर आपको हर एक अटेम्प्ट का बेसिकली एक कच्चा चिट्ठा मिल जाता है कि क्या क्या एक्शन ली गई थी करके, ठीक है। उसके बाद में गाइस कैसा होता है ना, कोई कोई ऑर्डर्स कैसे होते हैं एनडीआर पैनल के अंदर ओटीपी वेरीफाइड कैंसिल होते हैं, मतलब कस्टमर ने ओटीपी भी दे दिया कैंसिल करने के लिए, लेकिन ये क्या होते हैं ना कभी कभी डिलीवरी बॉय झूठ मूठ बोल के उनसे ओटीपी ले लेते हैं। अब कैसे लेते हैं वो, जैसे बोलते हैं कि सर ये पार्सल तो फेसबुक से आया है इंस्टाग्राम से आया है फ्रॉड होगा तो अपना ओटीपी दे दो कैंसिल कर दो प्लीज इसको एक्सेप्ट मत करो, ऐसे करके फिर बेचारे वो भी ओटीपी दे देते हैं और वो कैंसिल हो जाता है। लेकिन फिर कस्टमर को अपन कन्विंस कर सकते हैं उसको परचेस करने के लिए। तो अभी ये बड़ा एक नया फीचर है शिपरॉकेट के अंदर, तो यहाँ पे उसके आगे एक फेक अटेम्प्ट आपको लिख के आता है जब भी ओटीपी वेरीफाइड होता है, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना होता है,
आपको बेसिकली पहले तो कस्टमर को कांटेक्ट करना है, उसके बाद में थ्री डॉट्स पे क्लिक करके कांटेक्ट बायर के ऊपर क्लिक करना है। उसे बताना है कि सर आपको एक ना एक लिंक आएगा एसएमएस के अंदर, उस पर क्लिक करके आप कंफर्म कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको उसको सेंड एसएमएस टू बायर की यहाँ पे लिंक भेजनी है। लिंक भेजने के बाद में उसको एक एसएमएस जाएगा, उस एसएमएस के ऊपर वो लिंक पे क्लिक करके एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद में इसका सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट फिर से होगा और फिर से ये डिलीवरी होने के चांसेस इसके रहेंगे। पहले ऐसा रहता था कि जब भी ऐसा ओटीपी वेरीफाइड कैंसिल ऑर्डर होता था तो डायरेक्टली हमारे पास में आ जाता था, लेकिन अभी ये ऑप्शन यहाँ से हट चुका है। यहाँ से हम ओटीपी वेरीफाइड कैंसिल ऑर्डर को भी फिर से डिलीवर करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें है गाइस, ऐसे आप कर सकते हो। बाकी ऑफ कोर्स यार अगर से कस्टमर बोलता है कि नहीं मुझे मतलब प्रोडक्ट आरटीओ करवाना है, तो थ्री डॉट्स पे क्लिक करके आपको आरटीओ, वहां पे आरटीओ का ऑप्शन होता है, आप उससे आरटीओ भी कर सकते हो। तो ये आपकी मर्जी है। तो इस टाइप से गाइस हम एनडीआर मतलब जो पूरा ये होता है एनडीआर और आरटीओ को हैंडल कर सकते हैं शिप रॉकेट के अंदर। उसके बाद में गाइस 11th नंबर की चीज हमें देखनी है, वो है रिटर्न्स कि कैसे, चलो ऑर्डर तो डिलीवर हो गया, शिपमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, एनडीआर आरटीओ हो गया, लेकिन जो अभी ऑर्डर डिलीवर्ड हो गए वो हो सकता है कस्टमर का कुछ टूटा हुआ प्रोडक्ट गया हो या फिर कुछ और सीन हो, उसकी वजह से उसको रिटर्न करना है आपको। ठीक है ना, तो वो कैसे जनरेट करना है वो मैं अभी यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो आपको क्या करना होता है, ऑर्डर्स के अंदर ही ऑल ऑर्डर्स के अंदर जाना है, यहाँ पे आपको डिलीवर्ड का फिल्टर डालना है, तो आपको डिलीवर्ड ऑर्डर्स मिल जाएंगे, फिर आप कस्टमर नंबर वगैरह के हेल्प से आप उसका एक ऑर्डर देख सकते हो। अब जब आपको कस्टमर का ऑर्डर दिख जाता है, जो भी डिलीवर्ड ऑर्डर होते हैं उनके आगे एक बटन होता है क्रिएट रिटर्न का। ठीक है, अभी ये पूरा प्रोसेस तो मैं आपको अंदर से नहीं बताऊंगा, लेकिन जैसे ही आप क्रिएट रिटर्न पे क्लिक करते हो तो आपके सामने 3 to 4 steps आते हैं। उन स्टेप्स के अंदर बेसिकली यही पूछा जाता है कि पैकेज का डायमेंशन क्या है, कस्टमर का रीजन क्या है, और कहाँ से पिक होने वाला है, कहाँ पे रिटर्न आपको कौन से एड्रेस पे चाहिए, वो चीजें फिलअप करनी होती है और आपको जस्ट जनरेट रिटर्न कर देना होता है। फिर जैसे ही आपके पास में ऑर्डर पहुंच जाता है 7-8 दिन के बाद में या फिर उसके जल्दी से जल्दी, ठीक है, तो वो जब ऑर्डर आपके पास में पहुंच जाता है उसके बाद में आप उसको चेक कर लो कि सही में कस्टमर ने करेक्ट प्रोडक्ट भेजा या नहीं भेजा, और उसके बाद में आप कस्टमर का यूपीआई लेके या फिर बैंक डिटेल्स देके उसको आप कस्टमर को रिफंड चीजें मार सकते हो। लेकिन बात तभी मारना जब आपके पास में प्रोडक्ट डिलीवर हो जाए। तो इस टाइप से गाइस आप रिटर्न भी जो है वो शिप रॉकेट के अंदर ऐसे संभाल सकते हो। उसके बाद में गाइस पॉइंट नंबर 12 हमारा आता है शिप रॉकेट बिलिंग। तो बेसिकली यहाँ पर आप बिलिंग में जाकर यहाँ पर आपको दिखते हैं कि आपको शिपिंग चार्जेस कितना लगा, सीओडी रेमिटेंस आपके अकाउंट में कितना है, आपके वॉलेट हिस्ट्री क्या है, मतलब आपने रिचार्ज करके रखे वो इनवॉइसेस आपको दिखते हैं, करंट प्लान आपका कौन सा चल रहा है उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देखो इनके प्लान की प्राइसिंग भी लिखी है। उसके बाद में पासबुक आपको यहाँ पर दिखता है कि क्या क्या सब कुछ चीजें थी करके, ठीक है ना, ऐसा सब कुछ चीजें चार्जेस वगैरह जितना भी सिस्टम पूरा अवेलेबल है वो सब आपको इसके अंदर बिलिंग में दिखता है। उसके बाद में गाइस 13 नंबर पर बात करते हैं शिप रॉकेट एंगेज फीचर के बारे में। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे शिप रॉकेट एंगेज पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, तो ये एंगेज फीचर इनका एक पूरा कंप्लीटली अलग से फीचर है। ठीक है, अब इसके अंदर कैसा होता है ना कि इसके अंदर बेसिकली कस्टमर आपको जो जो शिप रॉकेट है वो पर ऑर्डर आपको 6.99 रुपीज इंक्लूसिव जीएसटी प्राइस है। ठीक है, 6.99 रुपीज पर ऑर्डर आपको चार्ज करता है शिप रॉकेट एंगेज यूज करने के। लेकिन इसके फायदे कैसे है ना कि बेसिकली कस्टमर को सारे वेरिफिकेशन ईमेल्स वगैरह सॉरी जो भी होते हैं मैसेजेस वो उनके व्हाट्सएप पर ही चले जाते हैं, जैसे सीओडी वेरिफिकेशन के लिए जाता है, एड्रेस वैलिडेशन के लिए भी जाता है, प्रीपेड अगर से आप उनको ऐसा भी कर सकते हो, एक मैसेज उनको ऐसा भी जाता है कि अगर से उनका सीओडी ऑर्डर है तो उसको ऑटोमेटिकली 10% का एक मैसेज जाता है कि अगर से आप इसको प्रीपेड में अभी कन्वर्ट करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, तो चांसेस है कि वहां से कस्टमर प्रीपेड में कन्वर्ट कर ले। ठीक है, तो इस टाइप से इनका एक शिप रॉकेट मतलब एंगेज का फीचर भी है। इन शॉर्ट ये फीचर काम में आता है व्हाट्सएप पे कनेक्ट रहने के लिए कस्टमर के साथ में। तो बेसिकली हमने तो अभी इसको ऑफ रखा है, लेकिन आपको रखना है तो आप रख सकते हो। यहाँ पे आपको इनके चार्ट्स वगैरह एक ही जगह पर आपको सारे कस्टमर्स के व्हाट्सएप के चार्ट्स वगैरह भी दिखते हैं। ठीक है ना, तो ये शिप रॉकेट एंगेज के बारे में डिटेल में जानना है तो आप आपके एक बार कैम से जरूर बात कर लेना। मुझे सिर्फ आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करना था कि इनका कुछ ऐसा भी शिप रॉकेट एंगेज नाम से फीचर है करके। सो गाइज अभी हम आ चुके हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे, जो कि है 14th नंबर का पॉइंट। सो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही अच्छी टिप देने वाला हूँ जिससे आपका आरटीओ लिटरली 10 to 15% मतलब डाउन हो जाएगा। मतलब अगर से 50% आरटीओ आ रहा है तो लिटरली आपका आरटीओ सिर्फ 40 या 35% के ऊपर आ जाएगा, मतलब आरटीओ डाउन हो जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली देखो यहाँ पर मेरी एक टिप सबसे बेस्ट ये है जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ, वो ये है कि आपके जितने भी फेसबुक कैंपेन्स है ना उसमें से आप हाई आरटीओ पिन कोड्स की लिस्ट और हाई आरटीओ स्टेट्स को हमेशा एक्सक्लूड करो। अभी हाई आरटीओ पिन कोड्स मतलब क्या, तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा कि मैं मेरे कुरियर इसके अंदर मतलब कुरियर प्रेफरेंस के अंदर
फर्स्ट पे ब्लू डार्ट रखता हूँ, सेकंड पे मैं स्मार्टर रखता हूँ, थर्ड पे डीटीडीसी रखता हूँ और फोर्थ पे मैं रखता हूँ डेलीवरी। ठीक है, तो ये जो मेरे फोर प्रेफरेंसेस है ना, तो मैंने क्या करके रखा है, शिप रॉकेट के सपोर्ट से बात करके ये चार कुरियर सर्विसेस के जो भी हाई आरटीओ पिन कोड्स है वो मैंने उनसे मंगवा लिए। तो अराउंड कुछ 2-2 हजार के आसपास वो पिन कोड्स बन के आते हैं जहां पर ज्यादा से ज्यादा आरटीओ आता है, मतलब मैक्सिमम टाइम वहां से आरटीओ आता है वो पिन कोड्स के ऊपर। ठीक है ना, अब इनके पास डेटा कैसा होता है, देखो यार इन्होंने हजारों लाखों कितने ही करोड़ शायद ऑर्डर्स निकाले रहेंगे आज तक टोटल, राइट, इतने सारे कुरियर कंपनीज ने। तो हमेशा हिस्ट्री के बेसिस पर ये जजमेंट लगा सकते हैं फ्यूचर का कि कौन से ऑर्डर आरटी हो सकते हैं और कौन से नहीं। तो इस हिसाब से अपने को वो जो हाई आरटीओ पिन कोड्स है वो हमारे फेसबुक कैंपेन्स में से एक्सक्लूड करने ही करने पड़ेंगे, साथ साथ हमारे पास में जो हाई आरटीओ के स्टेट्स होते हैं उन्हें भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा। हाई आरटीओ के स्टेट्स में ये जो मैं नीचे आपको स्टेट्स दे रहा हूँ यहाँ पे, ये स्टेट्स आपको उसमें से एक्सक्लूड करने पड़ेंगे। ठीक है, जब आप ये करोगे ट्रस्ट मी आप खुद ही देखना आपका आरटीओ बहुत डाउन आएगा। और साथ ही साथ ऐसा भी नहीं होगा कि आपके फेसबुक कैंपेन में गड़बड़ हो रहा है, फेसबुक कैंपेन में भी आपको रिजल्ट्स अच्छे ही आते हैं। अगर से नॉर्मल फुल ऑल ओवर इंडिया चलाने में आपको अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं तो ऐसे कैंपेन में जिसमें आप ये सब एक्सक्लूड करेंगे उसमें भी आपको अच्छी आएंगे। तो ये मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, इसको अपने फेसबुक एड्स के अंदर जरूर लागू करना। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो यार प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत की है वीडियो में। आई एम मतलब मैं गारंटी देता हूँ इस चीज की कि आप पूरा यूट्यूब छान मारो आपको इससे बेटर वीडियो पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा शिप रॉकेट टॉपिक के ऊपर, क्योंकि मैंने ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर कवर किया है, ईच एंड एवरीथिंग। तो प्लीज मेरे एफर्ट्स को थोड़ा सा मतलब सहानुभूति देने के लिए आप एटलीस्ट लाइक कर दो और कमेंट कर दो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो। बाकी अगर से कहीं आप चैनल पर नए आए हो, आपको इंडियन ई कॉमर्स, इंडियन ड्रॉप शिपिंग या फिर फेसबुक एड्स के कंटेंट के अंदर इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और चेकआउट करना ना भूलना। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।